इस रोमांचक थ्रिलर को सभी ने पसंद किया था। दृश्यम 2 के साथ हम जॉर्ज कुट्टी और उसके परिवार की कहानी को वहीं से आगे ले जा रहे हैं जहां से हमने इसे छोड़ा था। मुझे काफी खुशी हो रही है कि इस साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक की रिलीज Amazon प्राइम पर हुई है, जिसके साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। मलयालम फिल्म दृश्यम 2 के बारे में मशहूर एक्टर मोहनलाल ने ये बात कही है, जो लीड रोल में है। उनके साथ फिल्म में एक्ट्रेस मीना, अंसिबा हसन, इस्थर अनिल और मुरली गोपी की भी अहम भूमिका है। फिल्म के निर्देशक जीतू जोसेफ है। किसी सफल फिल्म का सीक्वल बनाना आसान नहीं, बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण काम माना जाता है। जब एक सफल ब्रांड को आगे ले जाना होता है, तब पता होता है कि दर्शक पहली फिल्म के पात्रों से परिचित है। वह अपने दिमाग में कुछ खास बात रखकर सीक्वल देखने आता है। सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि सीक्वल के समय पात्रों को सीमित दायरे में ही रखना होता है। पहली फिल्म में जो कैरेक्टर रहा है उससे अलग नहीं जा सकते। इस दायरे रखकर कुछ नया लिखना काफी कठिन होता है। यही वजह है कि फिल्म के निर्देशक जीतू जोसेफ ने कई सालों तक दृश्यम फिल्म के सीक्वल बनाने के आइडिया का विरोध किया था। वह ऐसी स्क्रिप्ट के इंतजार में थे जो पहली फिल्म के साथ न्याय कर सके। 7 साल बाद उसका इंतजार खत्म हुआ। मलयालम फिल्म दृश्यम के दूसरे सीक्वल में एक पुलिस अफसर के बेटे वरुण प्रभाकर का मर्डर करके उसकी डेड बॉडी को छुपाने और अपने परिवार को इस क्राइम के लिए पुलिस से बचाने की नायक की चतुराई की पहले दिखाई जा चुकी कहानी का विस्तार है। एक अंधेरी और डरावनी रात के सीन के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। इसमें एक शख्स दौड़ता भागता किसी से बचता हुआ दिखाई देता है। इधर लोकल केबल ऑपरेटर जॉर्ज कुट्टी अपनी पत्नी रानी और अंजू अनु नामक दो बेटियों के साथ जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा होता है। दुनिया आगे बढ़ चुकी है, जॉर्ज कुट्टी ने कुछ तरक्की की है, एक सिनेमा हॉल खरीद लिया है, इसके साथ ही फिल्म भी बनाना चाहता है, स्क्रिप्ट भी लिख रहा है। परिवार भी ट्रोमा से बाहर आने की कोशिश में है। इसी बीच पुलिस करीब 6 साल बाद वरुण प्रभाकर का केस रीओपन कर देती है। पुलिस जांच शुरू हो जाती है। जासूस लगाए जाते हैं एक महिला और पुलिस कर्मी को पति पत्नी बनाकर जॉर्ज कुट्टी के पड़ोस में शिफ्ट कर दिया जाता है। वे नजर रखे हुए हैं। उनकी कोशिश है कि एक बार लाश बरामद हो जाए और जॉर्ज कुट्टी को दबोच ले। जॉर्ज की पत्नी एक दिन महिला पुलिस कर्मी को अपना पड़ोसी समझकर मर्डर की पूरी कहानी बता देती है। इसके बाद पूरी तैयारी के साथ पुलिस अपना जाल बिछाती है। जॉर्ज कुट्टी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन पुलिस से खेलने में माहिर हो चुका जॉर्ज कुट्टी इस बार अपने तरकश में कौन से तीर रखे हुए हैं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। रोमांच बना रहे इसलिए हम पत्ते नहीं खोल रहे हैं। अपने आप में अभिनय की पाठशाला कहलाने वाले मोहनलाल मौजूदा भारतीय सिनेमा के मंझे हुए अभिनेता है। इस फिल्म में कई जगह किरदार की दिमागी उधेड़बुन भी अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने आंखों से बहुत बढ़िया काम लिया है। उनके चेहरे का भाव परिस्थितियों का बोध कराने में सफल रहा है। उन्होंने एक सहमे हुए आदमी के किरदार में जान डाल दी है। सहायक कलाकारों ने भी अपने किरदार के साथ न्याय किया है। इस फिल्म को क्लाइमेक्स तक पहुंचाने के लिए जीतू जोसेफ ने थोड़ा लंबा अटपटा सा ताना बाना बुना है, लेकिन आखिरी हिस्सा अतार्किक लगते हुए भी फिल्म को एक सस्पेंस थ्रिलर वाले दिलचस्प मोड़ तक ले आता है। हालांकि अन्य फिल्मों के सीक्वल की तरह यह स्टैंड अलोन मूवी नहीं है, पहली फिल्म पर पूरी तरह निर्भर है। दृश्यम 2 फिल्म स्टोरी, स्क्रिप्ट, डायलॉग, एक्टिंग, डायरेक्शन और ट्रीटमेंट सहित हर मोर्चे पर खरी उतरती है। फिल्म की राइटिंग और एडिटिंग इतनी सदी हुई है कि इसे देखते हुए कब 2.5 घंटे गुजर जाते हैं इसका एहसास ही नहीं होता। यदि आप मलयालम भाषा जानते हैं या अंग्रेजी सबटाइटल के साथ फिल्म देखने में आपको कोई समस्या नहीं है, तो यह नितांत देखने योग्य फिल्म है। शुरू से अंत तक फिल्म में रोमांच और रहस्य बरकरार रहता है। ऊपर से सिनेमेटोग्राफी इतनी शानदार हुई है कि किरदारों के जानदार अभिनय के बीच चार चांद लगा रही है। इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए।
बताते चले कि Amazon प्राइम पर दृश्यम 2 के रिलीज होने के बाद इसके हिंदी रीमेक बनने की भी तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसके लिए प्रोड्यूसर कुमार मंगत और अजय देवगन ने राइट्स खरीद लिए हैं। उन्होंने मोटी रकम चुकाई है। फिल्म के दूसरे भाग में पहले वाली फिल्म को ही आगे बढ़ाया गया है। हिंदी रीमेक में भी ऐसा ही होने वाला है। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन और तब्बू ने दृश्यम के हिंदी रीमेक में काम करके दर्शकों का दिल जीत लिया था। इस फिल्म को क्रिटिक के साथ ऑडियंस ने भी खूब पसंद किया था। मेकर्स फिल्म की शूटिंग साल 2021 के आखिर में शुरू करेंगे। तब तक अजय देवगन अपने बाकी के प्रोजेक्ट्स को खत्म कर लेंगे। वह फिल्म को अगले साल रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं। परिवार की खातिर साधारण से इंसान के असाधारण बनने की कहानी। दृश्यम एक ऐसी फिल्म थी जो अपने समय से आगे थी। इस रोमांचक थ्रिलर को सभी ने पसंद किया था। दृश्यम 2 के साथ हम जॉर्ज कुट्टी और उसके परिवार की कहानी को वहीं से आगे ले जा रहे हैं जहां से हमने इसे छोड़ा था। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि इस साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक की रिलीज Amazon प्राइम पर हुई है, जिसके साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। मलयालम फिल्म दृश्यम 2 के बारे में मशहूर एक्टर मोहनलाल ने ये बात कही है, जो लीड रोल में है। उनके साथ फिल्म में एक्ट्रेस मीना, अंसिबा हसन, इस्थर अनिल और मुरली गोपी की भी अहम भूमिका है। फिल्म के निर्देशक जीतू जोसेफ है। किसी सफल फिल्म का सीक्वल बनाना आसान नहीं, बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण काम माना जाता है। जब एक सफल ब्रांड को आगे ले जाना होता है, तब पता होता है कि दर्शक पहली फिल्म के पात्रों से परिचित है। वह अपने दिमाग में कुछ खास बात रखकर सीक्वल देखने आता है। सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि सीक्वल के समय पात्रों को सीमित दायरे में ही रखना होता है। पहली फिल्म में जो कैरेक्टर रहा है उससे अलग नहीं जा सकते। इस दायरे रखकर कुछ नया लिखना काफ़ी कठिन होता है। यही वजह है कि फिल्म के निर्देशक जीतू जोसेफ ने कई सालों तक दृश्यम फिल्म के सीक्वल बनाने के आइडिया का विरोध किया था। वह ऐसी स्क्रिप्ट के इंतजार में थे जो पहली फिल्म के साथ न्याय कर सके। 7 साल बाद उसका इंतजार खत्म हुआ। मलयालम फिल्म दृश्यम के दूसरे सीक्वल में एक पुलिस अफसर के बेटे वरुण प्रभाकर का मर्डर करके उसकी डेड बॉडी को छुपाने और अपने परिवार को इस क्राइम के लिए पुलिस से बचाने की नायक की चतुराई की पहले दिखाई जा चुकी कहानी का विस्तार है। एक अंधेरी और डरावनी रात के सीन के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। इसमें एक शख्स दौड़ता भागता किसी से बचता हुआ दिखाई देता है। इधर लोकल केबल ऑपरेटर जॉर्ज कुट्टी अपनी पत्नी रानी और अंजू अनु नामक दो बेटियों के साथ जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा होता है। दुनिया आगे बढ़ चुकी है। जॉर्ज कुट्टी ने कुछ तरक्की की है, एक सिनेमा हॉल खरीद लिया है। इसके साथ ही फिल्म भी बनाना चाहता है, स्क्रिप्ट भी लिख रहा है। परिवार भी ट्रोमा से बाहर आने की कोशिश में है। इसी बीच पुलिस करीब 6 साल बाद वरुण प्रभाकर का केस रीओपन कर देती है। पुलिस जांच शुरू हो जाती है। जासूस लगाए जाते हैं। एक महिला और पुलिस कर्मी को पति पत्नी बनाकर जॉर्ज कुट्टी के पड़ोस में शिफ्ट कर दिया जाता है। वे नजर रखे हुए हैं। उनकी कोशिश है कि एक बार लाश बरामद हो जाए और जॉर्ज कुट्टी को दबोच ले। जॉर्ज की पत्नी एक दिन महिला पुलिसकर्मी को अपना पड़ोसी समझकर मर्डर की पूरी कहानी बता देती है। इसके बाद पूरी तैयारी के साथ पुलिस अपना जाल बिछाती है। जॉर्ज कुट्टी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन पुलिस से खेलने में माहिर हो चुका जॉर्ज कुट्टी इस बार अपने तरकश में कौन से तीर रखे हुए हैं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। रोमांच बना रहे इसलिए हम पत्ते नहीं खोल रहे हैं। अपने आप में अभिनय की पाठशाला कहलाने वाले मोहनलाल मौजूदा भारतीय सिनेमा के मंझे हुए अभिनेता है। इस फिल्म में कई जगह किरदार की दिमागी उधेड़बुन भी अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने आंखों से बहुत बढ़िया काम लिया है। उनके चेहरे का भाव परिस्थितियों का बोध कराने में सफल रहा है। उन्होंने एक सहमे हुए आदमी के किरदार में जान डाल दी है। सहायक कलाकारों ने भी अपने किरदार के साथ न्याय किया है। इस फिल्म को क्लाइमेक्स तक पहुंचाने के लिए जीतू जोसेफ ने थोड़ा लंबा अटपटा सा ताना बाना बुना है, लेकिन आखिरी हिस्सा अतार्किक लगते हुए भी
फिल्म को एक सस्पेंस थ्रिलर वाले दिलचस्प मोड़ तक ले आता है। हालांकि अन्य फिल्मों के सीक्वल की तरह यह स्टैंड अलोन मूवी नहीं है, पहली फिल्म पर पूरी तरह निर्भर है। दृश्यम 2 फिल्म स्टोरी, स्क्रिप्ट, डायलॉग, एक्टिंग, डायरेक्शन और ट्रीटमेंट सहित हर मोर्चे पर खरी उतरती है। फिल्म की राइटिंग और एडिटिंग इतनी सदी हुई है कि इसे देखते हुए कब 2.5 घंटे गुजर जाते हैं इसका एहसास ही नहीं होता। यदि आप मलयालम भाषा जानते हैं या अंग्रेजी सबटाइटल के साथ फिल्म देखने में आपको कोई समस्या नहीं है तो यह नितांत देखने योग्य फिल्म है। शुरू से अंत तक फिल्म में रोमांच और रहस्य बरकरार रहता है। ऊपर से सिनेमेटोग्राफी इतनी शानदार हुई है कि किरदारों के जानदार अभिनय के बीच चार चांद लगा रही है। इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। बताते चले कि Amazon Prime पर दृश्यम 2 के रिलीज होने के बाद इसके हिंदी रीमेक बनने की भी तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसके लिए प्रोड्यूसर कुमार मंगत और अजय देवगन ने राइट्स खरीद लिए हैं। उन्होंने मोटी रकम चुकाई है। फिल्म के दूसरे भाग में पहले वाली फिल्म को ही आगे बढ़ाया गया है। हिंदी रीमेक में भी ऐसा ही होने वाला है। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन और तब्बू ने दृश्यम के हिंदी रीमेक में काम करके दर्शकों का दिल जीत लिया था। इस फिल्म को क्रिटिक के साथ ऑडियंस ने भी खूब पसंद किया था। मेकर्स फिल्म की शूटिंग साल 2021 के आखिर में शुरू करेंगे। तब तक अजय देवगन अपने बाकी के प्रोजेक्ट्स को खत्म कर लेंगे। वह फिल्म को अगले साल रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं। हाय सर, हाय सर, हैप्पी दिवाली सर, हैप्पी दिवाली, थैंक यू सर, बाय बाय, थैंक यू सर, हम लोग तनिष्क रूपचंदानी के इनवाइटीज हैं और ऐसे हम चाहेंगे कि ये प्रोग्राम बार बार, अभी ये लास्ट जो है 3 इयर्स बैक हमने प्रोग्राम अटेंड किया था, 3 इयर्स के बाद हम ये अटेंड कर रहे हैं। आई थिंक ये 3 इयर्स में कुछ हुआ नहीं है, हम चाहेंगे कि एवरी ईयर ये कंटिन्यू हो जाए।
Well, this is a very unique platform. I am honored and privileged to be a mentor of it. I am a nutritionist on board, and every girl is unique and is so confident and privileged to be here, because this platform gives an opportunity to all women of all ages, all backgrounds. We don't see who or how you're looking, how old you are, whether you're thin or fat. No, it is all about your inner self, your confidence, how you portray yourself, and no other pageant does that. And how, yeah. What are you looking forward for tonight or event? Well, I have known these girls since the year now. I have judged them, I have mentored them, given them diets, trained them. So now we have selected the best out of the lot, and they're doing, performing extremely well. So I hope that the best winner wins. But for me, everyone here is a winner already. Being on nutrition, how nutrition is important for beauty and everything. For a lifestyle, it's very important for our diet. Yes. Tell us something about the nutrition process. So I feel that being confident and being yourself is the best way to actually showcase yourself. But when we do makeup, that's the outer self, outer beauty. But when we eat healthy and when we take care about our body, about our organs, that is how we can actually nurture our bodies and take it long way ahead. So the food actually helps us be ourselves for a longer time. Yeah. Well, yes, I am wearing my very dear friend Deepika Wadhwa's creation, and she especially told me that, listen, everybody is going to be in black, white, red. Let's do royal blue for you. So yes, I'm wearing that. Thank you. Thank you so much. मुझे easy question. Just standing, just take them and me. Bas ek shot le lo. Just for FIR, that girl has taken quite a bit. Just for your FIR. मेरे को नहीं मिलेगा ना. वो तेरी लेने आई थी ना, तेरी कुछ साथ में ये सोचती हूँ. ये लो. फटाफट से बस take them and take me. 1 minute ना. Video. Video. Yeah. So. न्यूट्रिशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. यस या बोल दीजिए, मैं सब बोल दिया. स्टार्ट. हाँ हाँ, कुछ बात ही कर लो. कब आए आप लोग? आप लोग कब आए इधर? आए आप? हाँ, कोई और आया अभी वाइट देने? ये पहली मैं. बस हो गया. पहले मैं बताऊं कुछ? जी बताइए. बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये. आई एम जस्ट सीइंग दिस. तो मैं पहले पीआर होती थी, तो मैं उस तरफ होती थी और मैं सारे मीडिया से कोऑर्डिनेट करती थी. तो इट्स अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी आल्सो कि आज मैं इस तरफ हूँ और आज आप लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं. पहले मैं वहाँ खड़ी होती थी और बोलती थी, कहीं तुम्हारी टी का टाइम हो गया, मैं तुम्हारी चाय लगवा रही, फटाफट इंटरव्यू लेके आ जाओ. एंड टुडे इट्स सो नाइस. वेरी हैप्पी. आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ वुमेन जो माएँ हैं. One is of course, you know, younger girls, and one is these mothers, जिनको ये कहाँ मौके मिलते हैं हम मदर्स को. सो इट्स अ ब्यूटिफुल मोमेंट फॉर दीज गर्ल्स एंड आई एम हेयर टू जस्ट चेयर फॉर दैम. बिगेस्ट चेयर लीडर. माई लुक टूडे, ओके. सो आई एम वेयरिंग स्वाति सूरी, इज फ्रॉम डेली डिजाइनर. आई एम वेरी पॉपुलर डेली डिजाइनर. एंड आई डेंट वॉन्ट टू डू अ गाउन.
आई वॉन्टेड टू डू कुछ बहुत ही डिफरेंट लाइक अ साड़ी कम अ गाउन एंड अ वेरी ऑफ बीट कलर सो शी गेव मी अ टक दैट्स इट वेरी आई बी वेरी ऑनेस्ट वेरी मुझे बहुत शौक है एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस हमें सोचना नहीं चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे जो मन करता है पहनो यार एक जिंदगी है सो यार तैयार होने में सच्ची बताऊँ तो माई हस्बैंड टेक्स मोर टाइम देन मी लगता है मैं नहीं बट ही टेक्स मोर टाइम मैन टेक मोर टाइम पर आप लोग का ना दिखता नहीं हम लड़कियों का बहुत दिखता है मैं वेट कर रही हूँ टू सी कि लड़कियाँ कितनी ट्रेन हुई हैं आई वाज सीइंग दैट कॉन्फिडेंस नीचे ओ माय गॉड द वॉक द पॉइज आई लव हाउ क्वींस ऑफ द वर्ल्ड हैज ट्रेन दीज गर्ल्स आई एम वेटिंग टू सी हु इज द विनर थैंक यू सी यू गाइस परिवार की खातिर साधारण से इंसान के असाधारण बनने की कहानी दृश्यम एक ऐसी फिल्म थी जो अपने समय से आगे थी इस रोमांचक थ्रिलर को सभी ने पसंद किया था दृश्यम 2 के साथ हम जॉर्ज कुट्टी और उसके परिवार की कहानी को वहीं से आगे ले जा रहे हैं जहां से हमने इसे छोड़ा था मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि इस साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक की रिलीज अमेजन प्राइम पर हुई है जिसके साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ मलयालम फिल्म दृश्यम 2 के बारे में मशहूर एक्टर मोहनलाल ने ये बात कही है जो लीड रोल में है उनके साथ फिल्म में एक्ट्रेस मीना अंसिबा हसन इस्थर अनिल और मुरली गोपी की भी अहम भूमिका है फिल्म के निर्देशक जीतू जोसेफ है किसी सफल फिल्म का सीक्वल बनाना आसान नहीं बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण काम माना जाता है जब एक सफल ब्रांड को आगे ले जाना होता है तब पता होता है कि दर्शक पहली फिल्म के पात्रों से परिचित है वह अपने दिमाग में कुछ खास बात रखकर सीक्वल देखने आता है सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि सीक्वल के समय पात्रों को सीमित दायरे में ही रखना होता है पहली फिल्म में जो कैरेक्टर रहा है उससे अलग नहीं जा सकते इस दायरे रखकर कुछ नया लिखना काफ़ी कठिन होता है यही वजह है कि फिल्म के निर्देशक जीतू जोसेफ ने कई सालों तक दृश्यम फिल्म के सीक्वल बनाने के आइडिया का विरोध किया था वह ऐसी स्क्रिप्ट के इंतज़ार में थे जो पहली फिल्म के साथ न्याय कर सके 7 साल बाद उसका इंतज़ार खत्म हुआ मलयालम फिल्म दृश्यम के दूसरे सीक्वल में एक पुलिस अफसर के बेटे वरुण प्रभाकर का मर्डर करके उसकी डेड बॉडी को छुपाने और अपने परिवार को इस क्राइम के लिए पुलिस से बचाने की नायक की चतुराई की पहले दिखाई जा चुकी कहानी का विस्तार है
एक अंधेरी और डरावनी रात के सीन के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। इसमें एक शख्स दौड़ता भागता किसी से बचता हुआ दिखाई देता है। इधर लोकल केबल ऑपरेटर जॉर्ज कुट्टी अपनी पत्नी रानी और अंजू अनु नामक दो बेटियों के साथ जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा होता है। दुनिया आगे बढ़ चुकी है, जॉर्ज कुट्टी ने कुछ तरक्की की है, एक सिनेमा हॉल खरीद लिया है, इसके साथ ही फिल्म भी बनाना चाहता है, स्क्रिप्ट भी लिख रहा है, परिवार भी ट्रोमा से बाहर आने की कोशिश में है। इसी बीच पुलिस करीब 6 साल बाद वरुण प्रभाकर का केस रीओपन कर देती है। पुलिस जांच शुरू हो जाती है, जासूस लगाए जाते हैं एक महिला और पुलिस कर्मी को पति पत्नी बनाकर जॉर्ज कुट्टी के पड़ोस में शिफ्ट कर दिया जाता है। वे नजर रखे हुए हैं, उनकी कोशिश है कि एक बार लाश बरामद हो जाए और जॉर्ज कुट्टी को दबोच ले। जॉर्ज की पत्नी एक दिन महिला पुलिस कर्मी को अपना पड़ोसी समझकर मर्डर की पूरी कहानी बता देती है। इसके बाद पूरी तैयारी के साथ पुलिस अपना जाल बिछाती है, जॉर्ज कुट्टी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन पुलिस से खेलने में माहिर हो चुका जॉर्ज कुट्टी इस बार अपने तरकश में कौन से तीर रखे हुए हैं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। रोमांच बना रहे इसलिए हम पत्ते नहीं खोल रहे हैं। अपने आप में अभिनय की पाठशाला कहलाने वाले मोहनलाल मौजूदा भारतीय सिनेमा के मंझे हुए अभिनेता है। इस फिल्म में कई जगह किरदार की दिमागी उधेड़बुन भी अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने आंखों से बहुत बढ़िया काम लिया है। उनके चेहरे का भाव परिस्थितियों का बोध कराने में सफल रहा है। उन्होंने एक सहमे हुए आदमी के किरदार में जान डाल दी है। सहायक कलाकारों ने भी अपने किरदार के साथ न्याय किया है। इस फिल्म को क्लाइमेक्स तक पहुंचाने के लिए जीतू जोसेफ ने थोड़ा लंबा अटपटा सा ताना बाना बुना है, लेकिन आखिरी हिस्सा अतार्किक लगते हुए भी फिल्म को एक सस्पेंस थ्रिलर वाले दिलचस्प मोड़ तक ले आता है। हालांकि अन्य फिल्मों के सीक्वल की तरह यह स्टैंड अलोन मूवी नहीं है, पहली फिल्म पर पूरी तरह निर्भर है। दृश्यम 2 फिल्म स्टोरी, स्क्रिप्ट, डायलॉग, एक्टिंग, डायरेक्शन और ट्रीटमेंट सहित हर मोर्चे पर खरी उतरती है। फिल्म की राइटिंग और एडिटिंग इतनी सदी हुई है कि इसे देखते हुए कब 2.5 घंटे गुजर जाते हैं इसका एहसास ही नहीं होता। यदि आप मलयालम भाषा जानते हैं या अंग्रेजी सबटाइटल के साथ फिल्म देखने में आपको कोई समस्या नहीं है तो यह नितांत देखने योग्य फिल्म है। शुरू से अंत तक फिल्म में रोमांच और रहस्य बरकरार रहता है। ऊपर से सिनेमेटोग्राफी इतनी शानदार हुई है कि किरदारों के जानदार अभिनय के बीच चार चांद लगा रही है। इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। बताते चले कि Amazon Prime पर दृश्यम 2 के रिलीज होने के बाद इसके हिंदी रीमेक बनने की भी तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसके लिए प्रोड्यूसर कुमार मंगत और अजय देवगन ने राइट्स खरीद लिए हैं। उन्होंने मोटी रकम चुकाई है। फिल्म के दूसरे भाग में पहले वाली फिल्म को ही आगे बढ़ाया गया है। हिंदी रीमेक में भी ऐसा ही होने वाला है। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन और तब्बू ने दृश्यम के हिंदी रीमेक में काम करके दर्शकों का दिल जीत लिया था। इस फिल्म को क्रिटिक के साथ ऑडियंस ने भी खूब पसंद किया था। मेकर्स फिल्म की शूटिंग साल 2021 के आखिर में शुरू करेंगे, तब तक अजय देवगन अपने बाकी के प्रोजेक्ट्स को खत्म कर लेंगे। वह फिल्म को अगले साल रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं। परिवार की खातिर साधारण से इंसान के असाधारण बनने की कहानी। दृश्यम एक ऐसी फिल्म थी जो अपने समय से आगे थी। इस रोमांचक थ्रिलर को सभी ने पसंद किया था। दृश्यम 2 के साथ हम जॉर्ज कुट्टी और उसके परिवार की कहानी को वहीं से आगे ले जा रहे हैं जहां से हमने इसे छोड़ा था। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि इस साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक की रिलीज Amazon Prime पर हुई है, जिसके साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। मलयालम फिल्म दृश्यम 2 के बारे में मशहूर एक्टर मोहनलाल ने ये बात कही है जो लीड रोल में है। उनके साथ फिल्म में एक्ट्रेस मीना, अंसिबा हसन, इस्थर अनिल और मुरली गोपी की भी अहम भूमिका है। फिल्म के निर्देशक जीतू जोसेफ है। किसी सफल फिल्म का सीक्वल बनाना आसान नहीं, बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण काम माना जाता है। जब एक सफल ब्रांड को आगे ले जाना होता है
तब पता होता है कि दर्शक पहली फिल्म के पात्रों से परिचित है। वह अपने दिमाग में कुछ खास बात रखकर सीक्वल देखने आता है। सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि सीक्वल के समय पात्रों को सीमित दायरे में ही रखना होता है। पहली फिल्म में जो कैरेक्टर रहा है उससे अलग नहीं जा सकते। इस दायरे रखकर कुछ नया लिखना काफी कठिन होता है। यही वजह है कि फिल्म के निर्देशक जीतू जोसेफ ने कई सालों तक दृश्यम फिल्म के सीक्वल बनाने के आइडिया का विरोध किया था। वह ऐसी स्क्रिप्ट के इंतजार में थे जो पहली फिल्म के साथ न्याय कर सके। 7 साल बाद उसका इंतजार खत्म हुआ। मलयालम फिल्म दृश्यम के दूसरे सीक्वल में एक पुलिस अफसर के बेटे वरुण प्रभाकर का मर्डर करके उसकी डेड बॉडी को छुपाने और अपने परिवार को इस क्राइम के लिए पुलिस से बचाने की नायक की चतुराई की पहले दिखाई जा चुकी कहानी का विस्तार है। एक अंधेरी और डरावनी रात के सीन के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। इसमें एक शख्स दौड़ता भागता किसी से बचता हुआ दिखाई देता है। इधर लोकल केबल ऑपरेटर जॉर्ज कुट्टी अपनी पत्नी रानी और अंजू अनु नामक दो बेटियों के साथ जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा होता है। दुनिया आगे बढ़ चुकी है। जॉर्ज कुट्टी ने कुछ तरक्की की है, एक सिनेमा हॉल खरीद लिया है। इसके साथ ही फिल्म भी बनाना चाहता है, स्क्रिप्ट भी लिख रहा है। परिवार भी ट्रोमा से बाहर आने की कोशिश में है। इसी बीच पुलिस करीब 6 साल बाद वरुण प्रभाकर का केस रीओपन कर देती है। पुलिस जांच शुरू हो जाती है। जासूस लगाए जाते हैं एक महिला और पुलिस कर्मी को पति पत्नी बनाकर जॉर्ज कुट्टी के पड़ोस में शिफ्ट कर दिया जाता है। वे नजर रखे हुए हैं। उनकी कोशिश है कि एक बार लाश बरामद हो जाए और जॉर्ज कुट्टी को दबोच ले। जॉर्ज की पत्नी एक दिन महिला पुलिस कर्मी को अपना पड़ोसी समझकर मर्डर की पूरी कहानी बता देती है। इसके बाद पूरी तैयारी के साथ पुलिस अपना जाल बिछाती है। जॉर्ज कुट्टी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन पुलिस से खेलने में माहिर हो चुका जॉर्ज कुट्टी इस बार अपने तरकश में कौन से तीर रखे हुए हैं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। रोमांच बना रहे इसलिए हम पत्ते नहीं खोल रहे हैं। अपने आप में अभिनय की पाठशाला कहलाने वाले मोहनलाल मौजूदा भारतीय सिनेमा के मंझे हुए अभिनेता है। इस फिल्म में कई जगह किरदार की दिमागी उधेड़बुन भी अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने आंखों से बहुत बढ़िया काम लिया है। उनके चेहरे का भाव परिस्थितियों का बोध कराने में सफल रहा है। उन्होंने एक सहमे हुए आदमी के किरदार में जान डाल दी है। सहायक कलाकारों ने भी अपने किरदार के साथ न्याय किया है। इस फिल्म को क्लाइमेक्स तक पहुंचाने के लिए जीतू जोसेफ ने थोड़ा लंबा अटपटा सा ताना बाना बुना है, लेकिन आखिरी हिस्सा अतार्किक लगते हुए भी फिल्म को एक सस्पेंस थ्रिलर वाले दिलचस्प मोड़ तक ले आता है। हालांकि अन्य फिल्मों के सीक्वल की तरह यह स्टैंड अलोन मूवी नहीं है, पहली फिल्म पर पूरी तरह निर्भर है। दृश्यम 2 फिल्म स्टोरी, स्क्रिप्ट, डायलॉग, एक्टिंग, डायरेक्शन और ट्रीटमेंट सहित हर मोर्चे पर खरी उतरती है। फिल्म की राइटिंग और एडिटिंग इतनी सदी हुई है कि इसे देखते हुए कब 2.5 घंटे गुजर जाते हैं इसका एहसास ही नहीं होता। यदि आप मलयालम भाषा जानते हैं या अंग्रेजी सबटाइटल के साथ फिल्म देखने में आपको कोई समस्या नहीं है तो यह नितांत देखने योग्य फिल्म है। शुरू से अंत तक फिल्म में रोमांच और रहस्य बरकरार रहता है। ऊपर से सिनेमेटोग्राफी इतनी शानदार हुई है कि किरदारों के जानदार अभिनय के बीच चार चांद लगा रही है। इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। बताते चले कि Amazon Prime पर दृश्यम 2 के रिलीज होने के बाद इसके हिंदी रीमेक बनने की भी तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसके लिए प्रोड्यूसर कुमार मंगत और अजय देवगन ने राइट्स खरीद लिए हैं। उन्होंने मोटी रकम चुकाई है। फिल्म के दूसरे भाग में पहले वाली फिल्म को ही आगे बढ़ाया गया है। हिंदी रीमेक में भी ऐसा ही होने वाला है। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन और तब्बू ने दृश्यम के हिंदी रीमेक में काम करके दर्शकों का दिल जीत लिया था। इस फिल्म को क्रिटिक के साथ ऑडियंस ने भी खूब पसंद किया था। मेकर्स फिल्म की शूटिंग साल 2021 के आखिर में शुरू करेंगे। तब तक अजय देवगन अपने बाकी के प्रोजेक्ट्स को खत्म कर लेंगे। वह फिल्म को अगले साल रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं।
Happy Diwali, ma'am. Happy Diwali. Ma'am, firstly, being a fashion icon, right from your first movie, two number of movies, tell us something about the event. Well, I think this is a very special beauty pageant because it's something that really believes in inclusivity and diversity, because there are four categories. So you can be a little miss or a missus or a miss or an elite miss. Now you'll ask me, what is an elite miss? Come. So that is someone who is, you know, over 50, who can also participate. So you have young girls who are 16 years old, young teenagers, right to, you know, maybe our grandmothers, yes, or our mothers who are participating. So it's all about, you know, being beautiful from the inside, not only the outside. It's to show what you are from within. And age is not a number. And yeah, so I think that's very special. What is the secret behind your beauty? Because we know, right from Raja Hindustani, there are so many movies. People look up to you. Well, bus, I think I'm just myself. मैं ज्यादा प्रेशर नहीं लेती हूँ, मैं सब कुछ खाती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ बस. And ma'am, दिवाली भी आ रही है, जी. दिवाली के लिए क्या कुछ तैयारी है? मैं बस एक्चुअली तैयारी तो हम सब करते हैं, बट आई थिंक इट्स अ वेरी स्पेशल दिवाली दिस ईयर, क्योंकि यू नो द वर्ल्ड हैज ओपन अप, दुनिया खुल गई है, हम सब मास्क के बिना खड़े हैं यहाँ, तो आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी स्पेशल मोमेंट. मैं यहाँ इवेंट पे आई हूँ, यू नो, काफ़ी टाइम के बाद. So I think I want it to be special for everyone, I think all around the globe, and lots of love and God bless you all. Ma'am, aaj ke event ke andar baat kare, kya qualities dekhti hai jo yahan pe? Jaise maine abhi kaha ki I think the inclusivity and diversity of this event, ke young teenagers se leke, I think our mummies ya grandmothers can participate. To koi bhi young lady, any lady can participate. So I think it's really breaking barriers. और अभी मुझे जाने दीजिए ताकि मैं ये देख सकूँ और जज कर सकूँ. आप क्या कहना चाहोगे करिश्मा जी आए और मोड इतना फिर सपोर्ट कर रहे हो? What was the thought process be? So my thought process was that I always wanted a queen to crown my queen because she is beautiful not from the outer side but from the inner side as well. मैम दिवाली की एक विशेष दिन. सभी को दिवाली के बहुत सारी शुभकामनाएं. लॉट्स ऑफ लव. थैंक यू. फोटो करो. चलो फोटो करो. फोटो आ जाइए मैम. इधर आ जाओ. हां हां थोड़ा थोड़ा इधर ही. हम यहां सेम बैठो. इधर बैठो. वन स्टेप आउट प्लीज. And she really worked hard for this event from past 1 year. Last time Malaika Arora was there and so beautiful event. And the thought process behind this event is that 18 साल से लेके 60 साल की सारी औरतें इसमें participate कर सकें. ओके मैम, सबसे पहले बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर आई, क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रिपरेशन है? जैसे मैम ने कहा कि बहुत सारी प्रिपरेशन लगी है, थोड़ा सा अगर बताएं उस बारे में कि किस तरह की प्रिपरेशन की है आपने, आज जब फिनाले है क्या एक्सपेक्टेशन होगी ऑडियंस की? क्वीन ऑफ द वर्ल्ड इज अ वेरी यूनिक प्लेटफॉर्म विच इज लॉन्च्ड इन इंडिया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. And I'm happy to announce that this year we had over thousands of contestants who applied to participate. And out of screening in all the zonal auditions, we have 60 participants from the age group of 18 to 65. बहुत ही यूनिक प्लेटफॉर्म है इंडिया में, बल्कि मैं कहना चाहती हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ एक 18 ईयर्स की लड़की और एक 65 ईयर्स ओल्ड की एक्सपीरियंस महिला can come together to celebrate womenhood. So this is the uniqueness of the platform. Also, jaise aapne kaha ki 1000 logon
से आप लोगों की मुलाकात हुई, ऑडिशन हुए होंगे, तो कितना इजी या डिफिकल्ट रहा, कितना चैलेंजिंग था एज अ जज कि 60 लोगों को 1000 लोगों में से चुना जाए? बहुत ही मुश्किल था क्योंकि एवरी वुमन हैज़ अ यूनिक स्टोरी टू से एंड हम हर एक महिला जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आती है, हम उनको स्पेशल फील कराना चाहते हैं. सो डेफिनेटली स्क्रीनिंग प्रोसेस वॉज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज दिस पैजेंट इज नॉट ओनली अबाउट हाउ यू लुक बट वॉट इज़ योर स्टोरी बिहाइंड. वी लुक फॉरवर्ड फॉर हैविंग वेमेन विद अस हु हैज इंस्पिरेशनल स्टोरीज एंड कैन बी एन इंस्पिरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. आई फील शी इज़ अ क्वीन एंड शी इज परफेक्ट टू क्राउन आवर न्यू क्रिएटिंग क्वींस. शी इज़ अ एपिटोम ऑफ ब्यूटी और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती जो है वो इट्स नॉट ओनली इनसाइड बट आउटसाइड. आई थिंक शी इज़ अ ब्यूटिफुल पर्सन इनसाइड आउट विच इज़ वाई आई थिंक शी इज़ हियर द क्वीन हरसेल्फ टू क्राउन द क्वीन. ऑल्सो यहाँ पे जो विनर होगी उनके लिए क्या क्या नए अपॉर्चुनिटीज होंगे, अगर उस बारे में कुछ बताए, कौन से प्लेटफॉर्म्स पर? यस, सो द विनर्स ऑफ आर प्लेटफॉर्म गो टू यूनाइटेड स्टेट्स टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द इंटरनेशनल फोरम, ग्लोबल फोरम. सो वी आर ए इंडिया फ्रेंचाइजी. जैसे आप लोगों को पता है कि मिस इंडियाज होता है, हमारे यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है. सो यू डू नॉट हैव टू बी अ सर्टेन साइज और सर्टेन हाइट. तो सिंगल मदर से लेके ग्रैंड मदर से लेके यू नो एक बडिंग टीनेजर तक यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं. जैसे आपने कहा कि हर एज ग्रुप के यहाँ पे महिलाएं, तो क्या क्वालिटीज देखती हैं जो महिलाएं यहाँ पर जो जीतने वाली है या फिर जो जीतनी चाहिए? हर क्वालिटी देखा जाता है. मेरे मायने में अ रियल क्वीन इज द वन हु विल ऑलवेज फिक्स अदर वुमेन्स क्राउन एंड टेक देम अलोंग द वे इन ग्रोइंग टुगेदर. सो दैट इज द बेस्ट क्वालिटी अ क्वीन शुड पजेस एंड दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. एनी मैसेज यू वुड लाइक टू कन्वे टू द वुमेन्स हु आर वाचिंग? द वन मैसेज दैट आई वुड लाइक टू से दैट आई थिंक देयर इज अ हीरो दैट इज इंस्टिल्ड इन ईच वन ऑफ अस. और सपने देखने का कोई उम्र नहीं होता है. सो वी शुड कीप ड्रीमिंग एंड लिविंग आवर ड्रीम्स एंड चेरिश देम ऑल आवर लाइव्स. थैंक यू वेरी मच. यस थैंक यू. अरे यार जिधर फोटो करने का उधर हो रहा नहीं भाई. एक मिनट रुको, पीछे हो पहले आप लोग, पीछे लोग आ रहे हैं, पीछे सब, पीछे सब, पीछे चलो चलो, पीछे चलो, पीछे 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 क्या बात है, रिलैक्स हो जाओ सर, थोड़ा क्लोज. क्या बात है, क्या बात है, लवली लवली. ऐश्वर्या जी, ऐश्वर्या जी, ऐश्वर्या जी, जिसका बड़ा ऐश्वर्या जी, सोलो 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 सोलो, ऐश्वर्या मैम, ऐश्वर्या मैम, ऐश्वर्या मैम, पीछे हो जाओ आप लोग. Yeah, I know, but which mic to put? No, any. No, no. Okay. क्या कहना चाहिए, आज का जो इवेंट है बहुत ही धमाकेदार हो रहा है. करिश्मा मैम भी यहाँ पर, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द इवेंट, फ्रॉम द नाइट? वाओ, हिंदी में या इंग्लिश में? दोनों में. अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है ना, कंपल्शन तो नहीं है ना? ऑल राइट. Well, hi everyone. I am Dimple Kapoor and I am the founder of label Dimple Kapoor from Delhi. और इस इवेंट में आई एम द जूरी मेंटोर एंड द डिज़ाइनर ऑन बोर्ड. उर्मी के साथ आई एम इन टच एंड आई एम वर्किंग विद हर पास्ट टू इयर्स एंड इट इज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. आई एम सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग एसोसिएशन. उर्मी हैज़ गिवन अस अ लॉट एंड वी आर ट्रूली हैप्पी. ऑल द कंटेस्टेंट्स एंड क्वींस आर absolutely adorable and well deserving. I'm wishing everyone a very all the best and thank you so much for giving me such beautiful time and memories for life. Thank you media, thank you everyone here, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you.
for the videos. Sure. Sure. No, no, they are taking videos. Okay. Hi. Firstly, you're looking very amazing. Thank you so much. So what do you want to say about the event? How was it? Okay, so basically I'm Shagun Mehendirata and I'm a makeup artist on board with Queen of the World Pageant 2022. I'm a Delhi-based makeup artist and the owner of the chain called Trend Salon. I'm so proud and honored to be a part of this platform where I've got so many opportunities to make people learn about makeup and beauty. We know everybody is already very, very beautiful, but yes, we need to actually be confident of what we are wearing and what we are carrying. So again, I'm very much honored and grateful to Urmi and the entire team for having me here. And I would like to wish each one of the contestants a very, very, all the best who are on in the top category. I'm sure the best may will win the crown. Thank you. Thank you so much. It's a lot of responsibility because aapko jaake you have to represent the country in America. Okay, so bahut sari cheeze hoti hain. You have to make your country look good in every which way. So there's a lot of responsibility and at the same time you have to make sure ki aap sare areas cover kare. So it's very important. परिवार की खातिर साधारण से इंसान के असाधारण बनने की कहानी। दृश्यम एक ऐसी फिल्म थी जो अपने समय से आगे थी। इस रोमांचक थ्रिलर को सभी ने पसंद किया था। दृश्यम 2 के साथ हम जॉर्ज कुट्टी और उसके परिवार की कहानी को वहीं से आगे ले जा रहे हैं जहां से हमने इसे छोड़ा था। मुझे काफी खुशी हो रही है कि इस साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक की रिलीज अमेज़न प्राइम पर हुई है, जिसके साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। मलयालम फिल्म दृश्यम 2 के बारे में मशहूर एक्टर मोहनलाल ने ये बात कही है, जो लीड रोल में है। उनके साथ फिल्म में एक्ट्रेस मीना, अंसिबा हसन, इस्थर अनिल और मुरली गोपी की भी अहम भूमिका है। फिल्म के निर्देशक जीतू जोसेफ है। किसी सफल फिल्म का सीक्वल बनाना आसान नहीं, बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण काम माना जाता है। जब एक सफल ब्रांड को आगे ले जाना होता है, तब पता होता है कि दर्शक पहली फिल्म के पात्रों से परिचित है। वह अपने दिमाग में कुछ खास बात रखकर सीक्वल देखने आता है। सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि सीक्वल के समय पात्रों को सीमित दायरे में ही रखना होता है। पहली फिल्म में जो कैरेक्टर रहा है उससे अलग नहीं जा सकते। इस दायरे रखकर कुछ नया लिखना काफी कठिन होता है। यही वजह है कि फिल्म के निर्देशक जीतू जोसेफ ने कई सालों तक दृश्यम फिल्म के सीक्वल बनाने के आइडिया का विरोध किया था। वह ऐसी स्क्रिप्ट के इंतजार में थे जो पहली फिल्म के साथ न्याय कर सके। 7 साल बाद उसका इंतजार खत्म हुआ। मलयालम फिल्म दृश्यम के दूसरे सीक्वल में एक पुलिस अफसर के बेटे वरुण प्रभाकर का मर्डर करके उसकी डेड बॉडी को छुपाने और अपने परिवार को इस क्राइम के लिए पुलिस से बचाने की नायक की चतुराई की पहले दिखाई जा चुकी कहानी का विस्तार है।
एक अंधेरी और डरावनी रात के सीन के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। इसमें एक शख्स दौड़ता भागता किसी से बचता हुआ दिखाई देता है। इधर लोकल केबल ऑपरेटर जॉर्ज कुट्टी अपनी पत्नी रानी और अंजू अनु नामक दो बेटियों के साथ जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा होता है। दुनिया आगे बढ़ चुकी है, जॉर्ज कुट्टी ने कुछ तरक्की की है, एक सिनेमा हॉल खरीद लिया है, इसके साथ ही फिल्म भी बनाना चाहता है, स्क्रिप्ट भी लिख रहा है, परिवार भी ट्रोमा से बाहर आने की कोशिश में है। इसी बीच पुलिस करीब 6 साल बाद वरुण प्रभाकर का केस रीओपन कर देती है। पुलिस जांच शुरू हो जाती है, जासूस लगाए जाते हैं एक महिला और पुलिस कर्मी को पति पत्नी बनाकर जॉर्ज कुट्टी के पड़ोस में शिफ्ट कर दिया जाता है। वे नजर रखे हुए हैं, उनकी कोशिश है कि एक बार लाश बरामद हो जाए और जॉर्ज कुट्टी को दबोच ले। जॉर्ज की पत्नी एक दिन महिला पुलिस कर्मी को अपना पड़ोसी समझकर मर्डर की पूरी कहानी बता देती है। इसके बाद पूरी तैयारी के साथ पुलिस अपना जाल बिछाती है, जॉर्ज कुट्टी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन पुलिस से खेलने में माहिर हो चुका जॉर्ज कुट्टी इस बार अपने तरकश में कौन से तीर रखे हुए हैं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। रोमांच बना रहे इसलिए हम पत्ते नहीं खोल रहे हैं। अपने आप में अभिनय की पाठशाला कहलाने वाले मोहनलाल मौजूदा भारतीय सिनेमा के मंझे हुए अभिनेता है। इस फिल्म में कई जगह किरदार की दिमागी उधेड़बुन भी अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने आंखों से बहुत बढ़िया काम लिया है। उनके चेहरे का भाव परिस्थितियों का बोध कराने में सफल रहा है। उन्होंने एक सहमे हुए आदमी के किरदार में जान डाल दी है। सहायक कलाकारों ने भी अपने किरदार के साथ न्याय किया है। इस फिल्म को क्लाइमेक्स तक पहुंचाने के लिए जीतू जोसेफ ने थोड़ा लंबा अटपटा सा ताना बाना बुना है, लेकिन आखिरी हिस्सा अतार्किक लगते हुए भी फिल्म को एक सस्पेंस थ्रिलर वाले दिलचस्प मोड़ तक ले आता है। हालांकि अन्य फिल्मों के सीक्वल की तरह यह स्टैंड अलोन मूवी नहीं है, पहली फिल्म पर पूरी तरह निर्भर है। दृश्यम 2 फिल्म स्टोरी, स्क्रिप्ट, डायलॉग, एक्टिंग, डायरेक्शन और ट्रीटमेंट सहित हर मोर्चे पर खरी उतरती है। फिल्म की राइटिंग और एडिटिंग इतनी सदी हुई है कि इसे देखते हुए कब 2.5 घंटे गुजर जाते हैं इसका एहसास ही नहीं होता। यदि आप मलयालम भाषा जानते हैं या अंग्रेजी सबटाइटल के साथ फिल्म देखने में आपको कोई समस्या नहीं है तो यह नितांत देखने योग्य फिल्म है। शुरू से अंत तक फिल्म में रोमांच और रहस्य बरकरार रहता है। ऊपर से सिनेमेटोग्राफी इतनी शानदार हुई है कि किरदारों के जानदार अभिनय के बीच चार चांद लगा रही है। इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। बताते चले कि Amazon Prime पर दृश्यम 2 के रिलीज होने के बाद इसके हिंदी रीमेक बनने की भी तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसके लिए प्रोड्यूसर कुमार मंगत और अजय देवगन ने राइट्स खरीद लिए हैं। उन्होंने मोटी रकम चुकाई है। फिल्म के दूसरे भाग में पहले वाली फिल्म को ही आगे बढ़ाया गया है। हिंदी रीमेक में भी ऐसा ही होने वाला है। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन और तब्बू ने दृश्यम के हिंदी रीमेक में काम करके दर्शकों का दिल जीत लिया था। इस फिल्म को क्रिटिक के साथ ऑडियंस ने भी खूब पसंद किया था। मेकर्स फिल्म की शूटिंग साल 2021 के आखिर में शुरू करेंगे। तब तक अजय देवगन अपने बाकी के प्रोजेक्ट्स को खत्म कर लेंगे। वह फिल्म को अगले साल रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं। परिवार की खातिर साधारण से इंसान के असाधारण बनने की कहानी। दृश्यम एक ऐसी फिल्म थी जो अपने समय से आगे थी। इस रोमांचक थ्रिलर को सभी ने पसंद किया था। दृश्यम 2 के साथ हम जॉर्ज कुट्टी और उसके परिवार की कहानी को वहीं से आगे ले जा रहे हैं जहां से हमने इसे छोड़ा था। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि इस साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक की रिलीज Amazon Prime पर हुई है, जिसके साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। मलयालम फिल्म दृश्यम 2 के बारे में मशहूर एक्टर मोहनलाल ने ये बात कही है जो लीड रोल में है। उनके साथ फिल्म में एक्ट्रेस मीना, अंसिबा हसन, इस्थर अनिल और मुरली गोपी की भी अहम भूमिका है। फिल्म के निर्देशक जीतू जोसेफ है। किसी सफल फिल्म का सीक्वल बनाना आसान नहीं, बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण काम माना जाता है।
जब एक सफल ब्रांड को आगे ले जाना होता है तब पता होता है कि दर्शक पहली फिल्म के पात्रों से परिचित है। वह अपने दिमाग में कुछ खास बात रखकर सीक्वल देखने आता है। सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि सीक्वल के समय पात्रों को सीमित दायरे में ही रखना होता है। पहली फिल्म में जो कैरेक्टर रहा है उससे अलग नहीं जा सकते। इस दायरे रखकर कुछ नया लिखना काफी कठिन होता है। यही वजह है कि फिल्म के निर्देशक जीतू जोसेफ ने कई सालों तक दृश्यम फिल्म के सीक्वल बनाने के आइडिये का विरोध किया था। वह ऐसी स्क्रिप्ट के इंतजार में थे जो पहली फिल्म के साथ न्याय कर सके। 7 साल बाद उसका इंतजार खत्म हुआ। मलयालम फिल्म दृश्यम के दूसरे सीक्वल में एक पुलिस अफसर के बेटे वरुण प्रभाकर का मर्डर करके उसकी डेड बॉडी को छुपाने और अपने परिवार को इस क्राइम के लिए पुलिस से बचाने की नायक की चतुराई की पहले दिखाई जा चुकी कहानी का विस्तार है। एक अंधेरी और डरावनी रात के सीन के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। इसमें एक शख्स दौड़ता भागता किसी से बचता हुआ दिखाई देता है। इधर लोकल केबल ऑपरेटर जॉर्ज कुट्टी अपनी पत्नी रानी और अंजू अनु नामक दो बेटियों के साथ जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा होता है। दुनिया आगे बढ़ चुकी है। जॉर्ज कुट्टी ने कुछ तरक्की की है, एक सिनेमा हॉल खरीद लिया है, इसके साथ ही फिल्म भी बनाना चाहता है, स्क्रिप्ट भी लिख रहा है। परिवार भी ट्रोमा से बाहर आने की कोशिश में है। इसी बीच पुलिस करीब 6 साल बाद वरुण प्रभाकर का केस रीओपन कर देती है। पुलिस जांच शुरू हो जाती है। जासूस लगाए जाते हैं। एक महिला और पुलिस कर्मी को पति पत्नी बनाकर जॉर्ज कुट्टी के पड़ोस में शिफ्ट कर दिया जाता है। वे नजर रखे हुए है। उनकी कोशिश है कि एक बार लाश बरामद हो जाए और जॉर्ज कुट्टी को दबोच ले। जॉर्ज की पत्नी एक दिन महिला पुलिस कर्मी को अपना पड़ोसी समझकर मर्डर की पूरी कहानी बता देती है। इसके बाद पूरी तैयारी के साथ पुलिस अपना जाल बिछाती है। जॉर्ज कुट्टी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन पुलिस से खेलने में माहिर हो चुका जॉर्ज कुट्टी इस बार अपने तरकश में कौन से तीर रखे हुए है, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। रोमांच बना रहे इसलिए हम पत्ते नहीं खोल रहे है। अपने आप में अभिनय की पाठशाला कहलाने वाले मोहनलाल मौजूदा भारतीय सिनेमा के मंझे हुए अभिनेता है। इस फिल्म में कई जगह किरदार की दिमागी उधेड़बुन भी अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने आंखों से बहुत बढ़िया काम लिया है। उनके चेहरे का भाव परिस्थितियों का बोध कराने में सफल रहा है। उन्होंने एक सहमे हुए आदमी के किरदार में जान डाल दी है। सहायक कलाकारों ने भी अपने किरदार के साथ न्याय किया है। इस फिल्म को क्लाइमेक्स तक पहुंचाने के लिए जीतू जोसेफ ने थोड़ा लंबा अटपटा सा ताना बाना बुना है, लेकिन आखिरी हिस्सा अतार्किक लगते हुए भी फिल्म को एक सस्पेंस थ्रिलर वाले दिलचस्प मोड़ तक ले आता है। हालांकि अन्य फिल्मों के सीक्वल की तरह यह स्टैंड अलोन मूवी नहीं है, पहली फिल्म पर पूरी तरह निर्भर है। दृश्यम 2 फिल्म स्टोरी, स्क्रिप्ट, डायलॉग, एक्टिंग, डायरेक्शन और ट्रीटमेंट सहित हर मोर्चे पर खरी उतरती है। फिल्म की राइटिंग और एडिटिंग इतनी सदी हुई है कि इसे देखते हुए कब 2.5 घंटे गुजर जाते हैं इसका एहसास ही नहीं होता। यदि आप मलयालम भाषा जानते हैं या अंग्रेजी सबटाइटल के साथ फिल्म देखने में आपको कोई समस्या नहीं है तो यह नितांत देखने योग्य फिल्म है। शुरू से अंत तक फिल्म में रोमांच और रहस्य बरकरार रहता है। ऊपर से सिनेमेटोग्राफी इतनी शानदार हुई है कि किरदारों के जानदार अभिनय के बीच चार चांद लगा रही है। इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। बताते चले कि अमेजोन प्राइम पर दृश्यम 2 के रिलीज होने के बाद इसके हिंदी रीमेक बनने की भी तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसके लिए प्रोड्यूसर कुमार मंगत और अजय देवगन ने राइट्स खरीद लिए हैं। उन्होंने मोटी रकम चुकाई है। फिल्म के दूसरे भाग में पहले वाली फिल्म को ही आगे बढ़ाया गया है। हिंदी रीमेक में भी ऐसा ही होने वाला है। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन और तब्बू ने दृश्यम के हिंदी रीमेक में काम करके दर्शकों का दिल जीत लिया था। इस फिल्म को क्रिटिक के साथ ऑडियंस ने भी खूब पसंद किया था। मेकर्स फिल्म की शूटिंग साल 2021 के आखिर में शुरू करेंगे। तब तक अजय देवगन अपने बाकी के प्रोजेक्ट्स को खत्म कर लेंगे। वह फिल्म को अगले साल रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं। आ
बहुत खुशी होती है. आई नो सब लोग यही बोलेंगे बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है, बट मेरे को एक चीज़ लेके बहुत खुशी होती है कि आज एक 60-year-old, आज मैं अपनी मॉम को, अपनी मासी को, अपनी मॉम की फ्रेंड्स को भी बोल सकती हूँ कि पार्टिसिपेट करो. बहुत सारे लोग होते हैं उनकी ड्रीम्स होते हैं जब वो यंग होते हैं मगर वो फुलफ़िल नहीं कर पाते, फिर इस एज पर जाके उसको फुलफ़िल करना कौन सोच सकता है. सो इट्स वन ऑफ अ काइंड इन द होल वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडिया. सो आई थिंक वो बहुत बड़ी चीज़ है, यू नो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म करने के बाद आप आओ अपनी ब्यूटी दिखाओ. आई थिंक वो एक बहुत बड़ी चीज़ है. I've already gotten this crown and I've already gone and represented India and America. So currently I'm very satisfied. Bas, ab agle saal dekhenge kya karna hai. Thank you so much. I think the main thing that a winner should have is the will to grow and become a better person. I think this journey is for anyone who is willing to put themselves out there, be their most confident self, and uplift other women. So that's what I expect from the coming winner, because this is a sisterhood. Jaise main aur Rohini, hum dono ek dusre ko, it's become a very good friendship, right? So that's what I expect, ki aage ke jaake jo queens aayenge, they become very good friends and then they uplift each other and take this pageant forward. What is the one message or a tip jo aap dena chahoge young models ko jo jo aate hain is industry mein, crown building ka sapna dekhte hain, koi aisi message aap dena chahoge? It might sound very cliche, but I would say just be yourself. That's your most unique self, which makes you stand out, and if you stand out then the crown gets on your head. And what's so I would say the secret behind my beauty is that I'm a happy person. I try to wake up every day and choose to do something that I love, and that makes me a happier person, which helps me spread positivity around me, and I think that is kind of like the secret behind anyone's beauty. Karishma, I'm in there. Mm-hmm. And if you want to ask any two questions, mm-hmm, about the beauty, yeah, what will be like two questions? I mean, if I had to ask Karishma, I would ask her what's the secret to everlasting beauty, right? She's so gorgeous. She's always has a positive smile on her face. So I would definitely ask her. The second question would be how she's so positive all the time. So yeah, those would be my questions. Thank you. अच्छा आगे लगा था मजा आ गया. पहले बाइट कर ले, पहले बाइट दे. थैंक यू सो मच. पहले तो इस इवेंट के बारे में क्या कहना, कितनी ज्यादा एक्साइटेड हो आज के इवेंट को लेके? Very excited and so happy to see so many women coming together for this pageant. As Karishma just said, that it's such a beautiful platform where people are not competing, they're here to just be there and support each other. So it's a very beautiful place to be at. And if you want to give any tips to the young girls, kya tip aap dena chahoge, koi aisi beauty tip agar aapko dena? Just be yourself, no other tip, just be happy and just be yourself, that's it. Thank you. थैंक यू सो मच एंड रियली रियली अ बिग राउंड अप्लॉज फॉर यू गाइज. आप लोग रुके हो कब से इतनी गर्मी में, यू आर वेटिंग फॉर एवरीबडी एंड सो पेशेंटली, एंड द ब्यूटी इज एवरीबडी हैज अ स्माइल ऑन देयर फेस, सो दैट इज फॉर यू ऑल. नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. क्वीन ऑफ द वर्ल्ड में क्या क्वालिटीज एक्सपेक्ट कर रही हैं आप आज की नाइट से? सी, आज की नाइट से मैं यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि हर वुमेन जो है वो कॉन्फिडेंट रहे. कम्पीट तो कोई भी नहीं कर रहा है, एवरीबडी इज पुटिंग देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, एंड आई थिंक इट इज़ जस्ट अ डिस्प्ले ऑफ देयर पैशन एंड देयर डेडिकेशन, दैट्स इट. सो सब ने जी जान लगा दिया है, जिनका जो पैशन था, जो डेडिकेशन था. अब द बेस्ट गर्ल इज़ गोइंग टू विन, बट आई थिंक इवन द पीपल हु विल नॉट विन, दे आर गोइंग टू टेक अवे सो मच ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म. सो आई थिंक दैट्स द ब्यूटी.
So my upcoming project, I am an ex-banker turned influencer. So right now I'm finding my passion towards fashion, and you all will see me probably maybe a short movie or Netflix or anything. You never know. Secret behind my beauty is I'm always happy and I find a lot of goodness in whatever I see. So no negativity, only happiness. Yes, yes. Take care and thank you so much to all of you. वो पीछे की वीडियो लेनी है, दो मिनट बस, है ना? हाँ, उसमें बहुत शोर था. आपकी आवाज़ ही आएगी, वो नहीं आ पाएंगे. तो आप काफी अमेजिंग, मुझे काफी अच्छा लगा. क्या कुछ, क्या डिजाइनर का क्या राज है? I'm wearing Swati Suri from Delhi, very popular designer who does a great fusion of Indian and Western. So yes, she's my favorite choice for all important occasions. And anything that would you like to add on your dress? Today you are wearing mixed sari type. I didn't want to go the gown way, but I didn't want to go the sari way. So I decided to make a fusion and we discussed, humne bahut sketching kari and then yeah, this came out. So yeah, thank you. सवाल जवाब तो नहीं आइए सर, दो तीन सवाल कर लेते हैं. सर आज का पूरा ब्यूटी नेस के ऊपर है. आप काफी हैंडसम दिख रहे हो सर. किसके ऊपर है आज? ब्यूटी नेस के ऊपर है. ब्यूटी क्वींस आप काफी हैंडसम दिख रहे हो सर. इतने इतनी अच्छी आवाज है, अच्छी आवाज के आप भी हैंडसम. क्या है कुछ आपका राज है, आपके ब्यूटी नेस का, आपके हैंडसमनेस का, क्या कहना चाहोगे? क्या बात कर रहा है, शर्मा रही है. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. आई वॉज कॉल्ड हियर बाय अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड आई वॉन्टेड टू विटनेस दिस. And mashallah, so it's a very beautiful show, and every woman has the rights to come out and show herself. And after delivering kids and after doing so many things, if they are enjoying their life, I'm happy for that, and I'm really enjoying. Diwali ki shubhkamnaen aapko. Apne ghar mein rahiye, enjoy kijiye apni family ke saath, aur patake zara sambhal ke phodiye. And happy Diwali to everyone. Happy Diwali from Sajid Wajid to everyone. I love you all. बाय बाय. It is very heavy. Congratulations. Thank you so much. इतना heavy है, कितनी feeling का, किस तरह की feeling है आपकी? एक बहुत अच्छी कहावत है हिंदी में, because आपने हिंदी में question पूछा है, तो बहुत ज़्यादा जब power आती है ना, तो बहुत ज़्यादा responsibility कंधों पे होती है. तो ये जो power आई है, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे शोल्डर पे, एंड आई एम गोइंग टू प्रूव माई सेल्फ विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई हैव एन NGO, तो उसकी अवेयरनेस के लिए आई वॉन्ट टू स्प्रेड द वर्ड अबाउट दैट. तो उसके लिए आई वॉन्ट टू वर्क मोर विद क्वीन ऑफ द वर्ल्ड प्लेटफॉर्म, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म में देर इज़ नो क्राइटेरिया. क्राइटेरिया दैट्स सच अ गुड पार्ट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म. इसीलिए इस प्लेटफॉर्म को मैं और बढ़ाना चाहती हूँ. बहुत ज़्यादा लेडीज़ को आगे आएँ, पार्टिसिपेट करें. एज नो बार, साइज नो बार, कास्ट नो बार. सो इट्स सच अ ब्यूटिफुल प्लेटफॉर्म. एवरीबडी शुड कम फॉरवर्ड. यही मेरा एजेंडा है इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने का. हाँ जी. नहीं उनसे कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई, इतनी एक्साइटमेंट में कुछ बात कैसे होगी. वी हैव इज टू एक्साइटेड.
But very sweet of her. She's very, very beautiful person and inside out. So I feel great to be crowned by her. Thank you so much. Thank you. प्रियंका, दे कॉलिंग फॉर द पिक्चर्स. जी नमस्ते जी. थैंक यू सो मच. बहुत जी, बहुत बहुत ऑनर की बात है कि करिश्मा जी आए हमारे लिए आज यहाँ पर. वो खुद इतनी बड़ी आइकॉन है, एक खुद एक एम्बॉडीमेंट है फीमेल एम्पावरमेंट की. सो आई थिंक दैट इट वॉज़ वेरी ग्रेशियस ऑफ हर टू कम हियर. और ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है, जैसे पारुल जी ने भी बताया, इट्स ऑल अबाउट इंक्लूसिविटी एंड डिवर्सिटी. और हमें ये मौका मिला है कि हम अभी आगे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है हमारे पे. पर जैसे आपने कहा, करिश्मा जी खुद एक आइकॉन है और मेरे लिए बहुत हम्बलिंग है, हम बड़े हुए हैं उनको देखकर. तो बहुत करिश्मा जी और करीना जी बहुत इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा है उनकी हमारी लाइफ में. तो बहुत ज़्यादा हम्बलिंग था मेरे लिए कि आज उन्होंने मुझे ये क्राउन पहनाया. थैंक यू सो मच. Mrs. Queen of the World India. इतनी खुशी होती है कि like I had tears of joy in my eyes when it was announced, because एक सपना होता है, हम सब देखते हैं, और obviously जब वो सपना पूरा होता है, so उस happiness को अपने words में बयान करना, I think it's impossible. So and of course Ishma ma'am was also there. Tell us, did you had any conversation with her? I kept looking at her. She's an icon, like, yes. So yeah, so I mean definitely couldn't converse much with her, but Karishma Kapoor ji ke saath, matlab unke haathon se crown lena is a big moment in itself. What's next meeting that you planned for yourself? The next dream, that is to represent India, Queen of the World platform. So and I'm sure everybody will do their best. And looking forward to get the crown. All the best. Thank you so much. Thank you. I have got the elite Mrs. Queen of the World title. How does it feel to get it? Well, it feels great. It feels, you know, like a dream. Yeah. And Karishma ma'am was also there. Yes. She gave you the crown. How was the feeling during the entire event? Karishma, yes, I think yes, she did give the crown. Yes. No, it was beautiful. The whole journey has been beautiful. हम चार महीने से preparation कर रहे हैं. It's been very beautiful. And of course, this has also been very nice. हमने look के बारे में क्या कहना चाहते हैं? You're wearing silver wool. Correct. Yeah. Tell us something about it. मुझे शौक है, like you know, to have sort of to make a statement. Yes. तो मैं वैसे ही कपड़े. परिवार की खातिर साधारण से इंसान के असाधारण बनने की कहानी.
दृश्यम एक ऐसी फिल्म थी जो अपने समय से आगे थी। इस रोमांचक थ्रिलर को सभी ने पसंद किया था। दृश्यम 2 के साथ हम जॉर्ज कुट्टी और उसके परिवार की कहानी को वहीं से आगे ले जा रहे हैं जहां से हमने इसे छोड़ा था। मुझे काफी खुशी हो रही है कि इस साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक की रिलीज अमेज़न प्राइम पर हुई है, जिसके साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। मलयालम फिल्म दृश्यम 2 के बारे में मशहूर एक्टर मोहनलाल ने ये बात कही है जो लीड रोल में है। उनके साथ फिल्म में एक्ट्रेस मीना, अंसिबा हसन, इस्थर अनिल और मुरली गोपी की भी अहम भूमिका है। फिल्म के निर्देशक जीतू जोसेफ है। किसी सफल फिल्म का सीक्वल बनाना आसान नहीं, बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण काम माना जाता है। जब एक सफल ब्रांड को आगे ले जाना होता है तब पता होता है कि दर्शक पहली फिल्म के पात्रों से परिचित है, वह अपने दिमाग में कुछ खास बात रखकर सीक्वल देखने आता है। सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि सीक्वल के समय पात्रों को सीमित दायरे में ही रखना होता है। पहली फिल्म में जो कैरेक्टर रहा है उससे अलग नहीं जा सकते, इस दायरे रखकर कुछ नया लिखना काफी कठिन होता है। यही वजह है कि फिल्म के निर्देशक जीतू जोसेफ ने कई सालों तक दृश्यम फिल्म के सीक्वल बनाने के आइडिया का विरोध किया था। वह ऐसी स्क्रिप्ट के इंतजार में थे जो पहली फिल्म के साथ न्याय कर सके। 7 साल बाद उसका इंतजार खत्म हुआ। मलयालम फिल्म दृश्यम के दूसरे सीक्वल में एक पुलिस अफसर के बेटे वरुण प्रभाकर का मर्डर करके उसकी डेड बॉडी को छुपाने और अपने परिवार को इस क्राइम के लिए पुलिस से बचाने की नायक की चतुराई की पहले दिखाई जा चुकी कहानी का विस्तार है। एक अंधेरी और डरावनी रात के सीन के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। इसमें एक शख्स दौड़ता भागता किसी से बचता हुआ दिखाई देता है। इधर लोकल केबल ऑपरेटर जॉर्ज कुट्टी अपनी पत्नी रानी और अंजू अनु नामक दो बेटियों के साथ जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा होता है। दुनिया आगे बढ़ चुकी है, जॉर्ज कुट्टी ने कुछ तरक्की की है, एक सिनेमा हॉल खरीद लिया है, इसके साथ ही फिल्म भी बनाना चाहता है, स्क्रिप्ट भी लिख रहा है। परिवार भी ट्रोमा से बाहर आने की कोशिश में है। इसी बीच पुलिस करीब 6 साल बाद वरुण प्रभाकर का केस रीओपन कर देती है। पुलिस जांच शुरू हो जाती है। जासूस लगाए जाते हैं एक महिला और पुलिस कर्मी को पति पत्नी बनाकर जॉर्ज कुट्टी के पड़ोस में शिफ्ट कर दिया जाता है। वे नजर रखे हुए हैं। उनकी कोशिश है कि एक बार लाश बरामद हो जाए और जॉर्ज कुट्टी को दबोच ले। जॉर्ज की पत्नी एक दिन महिला पुलिस कर्मी को अपना पड़ोसी समझकर मर्डर की पूरी कहानी बता देती है। इसके बाद पूरी तैयारी के साथ पुलिस अपना जाल बिछाती है। जॉर्ज कुट्टी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन पुलिस से खेलने में माहिर हो चुका जॉर्ज कुट्टी इस बार अपने तरकश में कौन से तीर रखे हुए हैं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। रोमांच बना रहे इसलिए हम पत्ते नहीं खोल रहे हैं। अपने आप में अभिनय की पाठशाला कहलाने वाले मोहनलाल मौजूदा भारतीय सिनेमा के मंझे हुए अभिनेता है। इस फिल्म में कई जगह किरदार की दिमागी उधेड़बुन भी अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने आंखों से बहुत बढ़िया काम लिया है। उनके चेहरे का भाव परिस्थितियों का बोध कराने में सफल रहा है। उन्होंने एक सहमे हुए आदमी के किरदार में जान डाल दी है। सहायक कलाकारों ने भी अपने किरदार के साथ न्याय किया है। इस फिल्म को क्लाइमेक्स तक पहुंचाने के लिए जीतू जोसेफ ने थोड़ा लंबा अटपटा सा ताना बाना बुना है, लेकिन आखिरी हिस्सा अतार्किक लगते हुए भी फिल्म को एक सस्पेंस थ्रिलर वाले दिलचस्प मोड़ तक ले आता है। हालांकि अन्य फिल्मों के सीक्वल की तरह यह स्टैंड अलोन मूवी नहीं है, पहली फिल्म पर पूरी तरह निर्भर है। दृश्यम 2 फिल्म स्टोरी, स्क्रिप्ट, डायलॉग, एक्टिंग, डायरेक्शन और ट्रीटमेंट सहित हर मोर्चे पर खरी उतरती है। फिल्म की राइटिंग और एडिटिंग इतनी सदी हुई है कि इसे देखते हुए कब 2.5 घंटे गुजर जाते हैं इसका एहसास ही नहीं होता। यदि आप मलयालम भाषा जानते हैं या अंग्रेजी सबटाइटल के साथ फिल्म देखने में आपको कोई समस्या नहीं है तो यह नितांत देखने योग्य फिल्म है। शुरू से अंत तक फिल्म में रोमांच और रहस्य बरकरार रहता है। ऊपर से सिनेमेटोग्राफी इतनी शानदार हुई है कि किरदारों के जानदार अभिनय के बीच चार चांद लगा रही है। इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए।
बताते चले कि Amazon Prime पर दृश्यम 2 के रिलीज होने के बाद इसके हिंदी रीमेक बनने की भी तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसके लिए प्रोड्यूसर कुमार मंगत और अजय देवगन ने राइट्स खरीद लिए हैं। उन्होंने मोटी रकम चुकाई है। फिल्म के दूसरे भाग में पहले वाली फिल्म को ही आगे बढ़ाया गया है। हिंदी रीमेक में भी ऐसा ही होने वाला है। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन और तब्बू ने दृश्यम के हिंदी रीमेक में काम करके दर्शकों का दिल जीत लिया था। इस फिल्म को क्रिटिक के साथ ऑडियंस ने भी खूब पसंद किया था। मेकर्स फिल्म की शूटिंग साल 2021 के आखिर में शुरू करेंगे। तब तक अजय देवगन अपने बाकी के प्रोजेक्ट्स को खत्म कर लेंगे। वह फिल्म को अगले साल रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं। परिवार की खातिर साधारण से इंसान के असाधारण बनने की कहानी। दृश्यम एक ऐसी फिल्म थी जो अपने समय से आगे थी। इस रोमांचक थ्रिलर को सभी ने पसंद किया था। दृश्यम 2 के साथ हम जॉर्ज कुट्टी और उसके परिवार की कहानी को वहीं से आगे ले जा रहे हैं जहां से हमने इसे छोड़ा था। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि इस साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक की रिलीज Amazon Prime पर हुई है, जिसके साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। मलयालम फिल्म दृश्यम 2 के बारे में मशहूर एक्टर मोहनलाल ने ये बात कही है, जो लीड रोल में है। उनके साथ फिल्म में एक्ट्रेस मीना, अंसिबा हसन, इस्थर अनिल और मुरली गोपी की भी अहम भूमिका है। फिल्म के निर्देशक जीतू जोसेफ है। किसी सफल फिल्म का सीक्वल बनाना आसान नहीं, बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण काम माना जाता है। जब एक सफल ब्रांड को आगे ले जाना होता है, तब पता होता है कि दर्शक पहली फिल्म के पात्रों से परिचित है। वह अपने दिमाग में कुछ खास बात रखकर सीक्वल देखने आता है। सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि सीक्वल के समय पात्रों को सीमित दायरे में ही रखना होता है। पहली फिल्म में जो कैरेक्टर रहा है उससे अलग नहीं जा सकते। इस दायरे रखकर कुछ नया लिखना काफ़ी कठिन होता है। यही वजह है कि फिल्म के निर्देशक जीतू जोसेफ ने कई सालों तक दृश्यम फिल्म के सीक्वल बनाने के आइडिया का विरोध किया था। वह ऐसी स्क्रिप्ट के इंतज़ार में थे जो पहली फिल्म के साथ न्याय कर सके। 7 साल बाद उसका इंतज़ार खत्म हुआ। मलयालम फिल्म दृश्यम के दूसरे सीक्वल में एक पुलिस अफसर के बेटे वरुण प्रभाकर का मर्डर करके उसकी डेड बॉडी को छुपाने और अपने परिवार को इस क्राइम के लिए पुलिस से बचाने की नायक की चतुराई की पहले दिखाई जा चुकी कहानी का विस्तार है। एक अंधेरी और डरावनी रात के सीन के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। इसमें एक शख्स दौड़ता भागता किसी से बचता हुआ दिखाई देता है। इधर लोकल केबल ऑपरेटर जॉर्ज कुट्टी अपनी पत्नी रानी और अंजू अनु नामक दो बेटियों के साथ जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा होता है। दुनिया आगे बढ़ चुकी है। जॉर्ज कुट्टी ने कुछ तरक्की की है, एक सिनेमा हॉल खरीद लिया है। इसके साथ ही फिल्म भी बनाना चाहता है, स्क्रिप्ट भी लिख रहा है। परिवार भी ट्रोमा से बाहर आने की कोशिश में है। इसी बीच पुलिस करीब 6 साल बाद वरुण प्रभाकर का केस रीओपन कर देती है। पुलिस जांच शुरू हो जाती है। जासूस लगाए जाते हैं। एक महिला और पुलिस कर्मी को पति पत्नी बनाकर जॉर्ज कुट्टी के पड़ोस में शिफ्ट कर दिया जाता है। वे नजर रखे हुए हैं। उनकी कोशिश है कि एक बार लाश बरामद हो जाए और जॉर्ज कुट्टी को दबोच ले। जॉर्ज की पत्नी एक दिन महिला पुलिसकर्मी को अपना पड़ोसी समझकर मर्डर की पूरी कहानी बता देती है। इसके बाद पूरी तैयारी के साथ पुलिस अपना जाल बिछाती है। जॉर्ज कुट्टी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन पुलिस से खेलने में माहिर हो चुका जॉर्ज कुट्टी इस बार अपने तरकश में कौन से तीर रखे हुए हैं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। रोमांच बना रहे इसलिए हम पत्ते नहीं खोल रहे हैं। अपने आप में अभिनय की पाठशाला कहलाने वाले मोहनलाल मौजूदा भारतीय सिनेमा के मंझे हुए अभिनेता है। इस फिल्म में कई जगह किरदार की दिमागी उधेड़बुन भी अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने आंखों से बहुत बढ़िया काम लिया है। उनके चेहरे का भाव परिस्थितियों का बोध कराने में सफल रहा है। उन्होंने एक सहमे हुए आदमी के किरदार में जान डाल दी है। सहायक कलाकारों ने भी अपने किरदार के साथ न्याय किया है। इस फिल्म को क्लाइमेक्स तक पहुंचाने के लिए जीतू जोसेफ ने थोड़ा लंबा अटपटा सा ताना बाना बुना है, लेकिन आखिरी हिस्सा अतार्किक लगते हुए भी
फिल्म को एक सस्पेंस थ्रिलर वाले दिलचस्प मोड़ तक ले आता है। हालांकि अन्य फिल्मों के सीक्वल की तरह यह स्टैंड अलोन मूवी नहीं है, पहली फिल्म पर पूरी तरह निर्भर है। दृश्यम 2 फिल्म स्टोरी, स्क्रिप्ट, डायलॉग, एक्टिंग, डायरेक्शन और ट्रीटमेंट सहित हर मोर्चे पर खरी उतरती है। फिल्म की राइटिंग और एडिटिंग इतनी सदी हुई है कि इसे देखते हुए कब 2.5 घंटे गुजर जाते हैं इसका एहसास ही नहीं होता। यदि आप मलयालम भाषा जानते हैं या अंग्रेजी सबटाइटल के साथ फिल्म देखने में आपको कोई समस्या नहीं है तो यह नितांत देखने योग्य फिल्म है। शुरू से अंत तक फिल्म में रोमांच और रहस्य बरकरार रहता है। ऊपर से सिनेमेटोग्राफी इतनी शानदार हुई है कि किरदारों के जानदार अभिनय के बीच चार चांद लगा रही है। इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। बताते चले कि Amazon Prime पर दृश्यम 2 के रिलीज होने के बाद इसके हिंदी रीमेक बनने की भी तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसके लिए प्रोड्यूसर कुमार मंगत और अजय देवगन ने राइट्स खरीद लिए हैं। उन्होंने मोटी रकम चुकाई है। फिल्म के दूसरे भाग में पहले वाली फिल्म को ही आगे बढ़ाया गया है। हिंदी रीमेक में भी ऐसा ही होने वाला है। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन और तब्बू ने दृश्यम के हिंदी रीमेक में काम करके दर्शकों का दिल जीत लिया था। इस फिल्म को क्रिटिक के साथ ऑडियंस ने भी खूब पसंद किया था। मेकर्स फिल्म की शूटिंग साल 2021 के आखिर में शुरू करेंगे। तब तक अजय देवगन अपने बाकी के प्रोजेक्ट्स को खत्म कर लेंगे। वह फिल्म को अगले साल रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं। परिवार की खातिर साधारण से इंसान के असाधारण बनने की कहानी। दृश्यम एक ऐसी फिल्म थी जो अपने समय से आगे थी। इस रोमांचक थ्रिलर को सभी ने पसंद किया था। दृश्यम 2 के साथ हम जॉर्ज कुट्टी और उसके परिवार की कहानी को वहीं से आगे ले जा रहे हैं जहां से हमने इसे छोड़ा था। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि इस साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक की रिलीज Amazon Prime पर हुई है, जिसके साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। मलयालम फिल्म दृश्यम 2 के बारे में मशहूर एक्टर मोहनलाल ने ये बात कही है जो लीड रोल में है। उनके साथ फिल्म में एक्ट्रेस मीना, अंसिबा हसन, इस्थर अनिल और मुरली गोपी की भी अहम भूमिका है। फिल्म के निर्देशक जीतू जोसेफ है। किसी सफल फिल्म का सीक्वल बनाना आसान नहीं, बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण काम माना जाता है। जब एक सफल ब्रांड को आगे ले जाना होता है तब पता होता है कि दर्शक पहली फिल्म के पात्रों से परिचित है। वह अपने दिमाग में कुछ खास बात रखकर सीक्वल देखने आता है। सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि सीक्वल के समय पात्रों को सीमित दायरे में ही रखना होता है। पहली फिल्म में जो कैरेक्टर रहा है उससे अलग नहीं जा सकते। इस दायरे रखकर कुछ नया लिखना काफ़ी कठिन होता है। यही वजह है कि फिल्म के निर्देशक जीतू जोसेफ ने कई सालों तक दृश्यम फिल्म के सीक्वल बनाने के आइडिया का विरोध किया था। वह ऐसी स्क्रिप्ट के इंतजार में थे जो पहली फिल्म के साथ न्याय कर सके। 7 साल बाद उसका इंतजार खत्म हुआ। मलयालम फिल्म दृश्यम के दूसरे सीक्वल में एक पुलिस अफसर के बेटे वरुण प्रभाकर का मर्डर करके उसकी डेड बॉडी को छुपाने और अपने परिवार को इस क्राइम के लिए पुलिस से बचाने की नायक की चतुराई की पहले दिखाई जा चुकी कहानी का विस्तार है। एक अंधेरी और डरावनी रात के सीन के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। इसमें एक शख्स दौड़ता भागता किसी से बचता हुआ दिखाई देता है। इधर लोकल केबल ऑपरेटर जॉर्ज कुट्टी अपनी पत्नी रानी और अंजू अनु नामक दो बेटियों के साथ जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा होता है। दुनिया आगे बढ़ चुकी है। जॉर्ज कुट्टी ने कुछ तरक्की की है, एक सिनेमा हॉल खरीद लिया है। इसके साथ ही फिल्म भी बनाना चाहता है, स्क्रिप्ट भी लिख रहा है। परिवार भी ट्रोमा से बाहर आने की कोशिश में है। इसी बीच पुलिस करीब 6 साल बाद वरुण प्रभाकर का केस रीओपन कर देती है। पुलिस जांच शुरू हो जाती है। जासूस लगाए जाते हैं। एक महिला और पुलिस कर्मी को पति पत्नी बनाकर जॉर्ज कुट्टी के पड़ोस में शिफ्ट कर दिया जाता है। वे नजर रखे हुए हैं। उनकी कोशिश है कि एक बार लाश बरामद हो जाए और जॉर्ज कुट्टी को दबोच ले। जॉर्ज की पत्नी एक दिन महिला पुलिसकर्मी को अपना पड़ोसी समझकर मर्डर की पूरी कहानी बता देती है। इसके बाद पूरी तैयारी के साथ पुलिस अपना जाल बिछाती है। जॉर्ज कुट्टी को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
लेकिन पुलिस से खेलने में माहिर हो चुका जॉर्ज कुट्टी इस बार अपने तरकश में कौन से तीर रखे हुए हैं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। रोमांच बना रहे इसलिए हम पत्ते नहीं खोल रहे हैं। अपने आप में अभिनय की पाठशाला कहलाने वाले मोहनलाल मौजूदा भारतीय सिनेमा के मंझे हुए अभिनेता है। इस फिल्म में कई जगह किरदार की दिमागी उधेड़बुन भी अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने आंखों से बहुत बढ़िया काम लिया है। उनके चेहरे का भाव परिस्थितियों का बोध कराने में सफल रहा है। उन्होंने एक सहमे हुए आदमी के किरदार में जान डाल दी है। सहायक कलाकारों ने भी अपने किरदार के साथ न्याय किया है। इस फिल्म को क्लाइमेक्स तक पहुंचाने के लिए जीतू जोसेफ ने थोड़ा लंबा अटपटा सा ताना बाना बुना है, लेकिन आखिरी हिस्सा अतार्किक लगते हुए भी फिल्म को एक सस्पेंस थ्रिलर वाले दिलचस्प मोड़ तक ले आता है। हालांकि अन्य फिल्मों के सीक्वल की तरह यह स्टैंड अलोन मूवी नहीं है, पहली फिल्म पर पूरी तरह निर्भर है। दृश्यम 2 फिल्म स्टोरी, स्क्रिप्ट, डायलॉग, एक्टिंग, डायरेक्शन और ट्रीटमेंट सहित हर मोर्चे पर खरी उतरती है। फिल्म की राइटिंग और एडिटिंग इतनी सदी हुई है कि इसे देखते हुए कब 2.5 घंटे गुजर जाते हैं इसका एहसास ही नहीं होता। यदि आप मलयालम भाषा जानते हैं या अंग्रेजी सबटाइटल के साथ फिल्म देखने में आपको कोई समस्या नहीं है तो यह नितांत देखने योग्य फिल्म है। शुरू से अंत तक फिल्म में रोमांच और रहस्य बरकरार रहता है। ऊपर से सिनेमेटोग्राफी इतनी शानदार हुई है कि किरदारों के जानदार अभिनय के बीच चार चांद लगा रही है। इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। बताते चले कि Amazon Prime पर दृश्यम 2 के रिलीज होने के बाद इसके हिंदी रीमेक बनने की भी तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसके लिए प्रोड्यूसर कुमार मंगत और अजय देवगन ने राइट्स खरीद लिए हैं। उन्होंने मोटी रकम चुकाई है। फिल्म के दूसरे भाग में पहले वाली फिल्म को ही आगे बढ़ाया गया है। हिंदी रीमेक में भी ऐसा ही होने वाला है। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन और तब्बू ने दृश्यम के हिंदी रीमेक में काम करके दर्शकों का दिल जीत लिया था। इस फिल्म को क्रिटिक के साथ ऑडियंस ने भी खूब पसंद किया था। मेकर्स फिल्म की शूटिंग साल 2021 के आखिर में शुरू करेंगे। तब तक अजय देवगन अपने बाकी के प्रोजेक्ट्स को खत्म कर लेंगे। वह फिल्म को अगले साल रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं। परिवार की खातिर साधारण से इंसान के असाधारण बनने की कहानी। दृश्यम एक ऐसी फिल्म थी जो अपने समय से आगे थी। इस रोमांचक थ्रिलर को सभी ने पसंद किया था। दृश्यम 2 के साथ हम जॉर्ज कुट्टी और उसके परिवार की कहानी को वहीं से आगे ले जा रहे हैं जहां से हमने इसे छोड़ा था। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि इस साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक की रिलीज Amazon Prime पर हुई है, जिसके साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। मलयालम फिल्म दृश्यम 2 के बारे में मशहूर एक्टर मोहनलाल ने ये बात कही है जो लीड रोल में है। उनके साथ फिल्म में एक्ट्रेस मीना, अंसिबा हसन, इस्थर अनिल और मुरली गोपी की भी अहम भूमिका है। फिल्म के निर्देशक जीतू जोसेफ है। किसी सफल फिल्म का सीक्वल बनाना आसान नहीं, बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण काम माना जाता है। जब एक सफल ब्रांड को आगे ले जाना होता है तब पता होता है कि दर्शक पहली फिल्म के पात्रों से परिचित है। वह अपने दिमाग में कुछ खास बात रखकर सीक्वल देखने आता है। सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि सीक्वल के समय पात्रों को सीमित दायरे में ही रखना होता है। पहली फिल्म में जो कैरेक्टर रहा है उससे अलग नहीं जा सकते। इस दायरे रखकर कुछ नया लिखना काफी कठिन होता है। यही वजह है कि फिल्म के निर्देशक जीतू जोसेफ ने कई सालों तक दृश्यम फिल्म के सीक्वल बनाने के आइडिये का विरोध किया था। वह ऐसी स्क्रिप्ट के इंतजार में थे जो पहली फिल्म के साथ न्याय कर सके। 7 साल बाद उसका इंतजार खत्म हुआ। मलयालम फिल्म दृश्यम के दूसरे सीक्वल में एक पुलिस अफसर के बेटे वरुण प्रभाकर का मर्डर करके उसकी डेड बॉडी को छुपाने और अपने परिवार को इस क्राइम के लिए पुलिस से बचाने की नायक की चतुराई की पहले दिखाई जा चुकी कहानी का विस्तार है। एक अंधेरी और डरावनी रात के सीन के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। इसमें एक शख्स दौड़ता भागता किसी से बचता हुआ दिखाई देता है। इधर लोकल केबल ऑपरेटर जॉर्ज कुट्टी अपनी पत्नी रानी और अंजू अनु नामक दो बेटियों के साथ जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा होता है।
दुनिया आगे बढ़ चुकी है, जॉर्ज कुट्टी ने कुछ तरक्की की है, एक सिनेमा हॉल खरीद लिया है, इसके साथ ही फिल्म भी बनाना चाहता है, स्क्रिप्ट भी लिख रहा है, परिवार भी ट्रोमा से बाहर आने की कोशिश में है। इसी बीच पुलिस करीब 6 साल बाद वरुण प्रभाकर का केस रीओपन कर देती है, पुलिस जांच शुरू हो जाती है, जासूस लगाए जाते हैं एक महिला और पुलिस कर्मी को पति पत्नी बनाकर जॉर्ज कुट्टी के पड़ोस में शिफ्ट कर दिया जाता है, वे नजर रखे हुए हैं, उनकी कोशिश है कि एक बार लाश बरामद हो जाए और जॉर्ज कुट्टी को दबोच ले। जॉर्ज की पत्नी एक दिन महिला पुलिस कर्मी को अपना पड़ोसी समझकर मर्डर की पूरी कहानी बता देती है। इसके बाद पूरी तैयारी के साथ पुलिस अपना जाल बिछाती है, जॉर्ज कुट्टी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन पुलिस से खेलने में माहिर हो चुका जॉर्ज कुट्टी इस बार अपने तरकश में कौन से तीर रखे हुए हैं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। रोमांच बना रहे इसलिए हम पत्ते नहीं खोल रहे हैं। अपने आप में अभिनय की पाठशाला कहलाने वाले मोहनलाल मौजूदा भारतीय सिनेमा के मंझे हुए अभिनेता है। इस फिल्म में कई जगह किरदार की दिमागी उधेड़बुन भी अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने आंखों से बहुत बढ़िया काम लिया है। उनके चेहरे का भाव परिस्थितियों का बोध कराने में सफल रहा है। उन्होंने एक सहमे हुए आदमी के किरदार में जान डाल दी है। सहायक कलाकारों ने भी अपने किरदार के साथ न्याय किया है। इस फिल्म को क्लाइमेक्स तक पहुंचाने के लिए जीतू जोसेफ ने थोड़ा लंबा अटपटा सा ताना बाना बुना है, लेकिन आखिरी हिस्सा अतार्किक लगते हुए भी फिल्म को एक सस्पेंस थ्रिलर वाले दिलचस्प मोड़ तक ले आता है। हालांकि अन्य फिल्मों के सीक्वल की तरह यह स्टैंड अलोन मूवी नहीं है, पहली फिल्म पर पूरी तरह निर्भर है। दृश्यम 2 फिल्म स्टोरी, स्क्रिप्ट, डायलॉग, एक्टिंग, डायरेक्शन और ट्रीटमेंट सहित हर मोर्चे पर खरी उतरती है। फिल्म की राइटिंग और एडिटिंग इतनी सदी हुई है कि इसे देखते हुए कब 2.5 घंटे गुजर जाते हैं इसका एहसास ही नहीं होता। यदि आप मलयालम भाषा जानते हैं या अंग्रेजी सबटाइटल के साथ फिल्म देखने में आपको कोई समस्या नहीं है तो यह नितांत देखने योग्य फिल्म है। शुरू से अंत तक फिल्म में रोमांच और रहस्य बरकरार रहता है। ऊपर से सिनेमेटोग्राफी इतनी शानदार हुई है कि किरदारों के जानदार अभिनय के बीच चार चांद लगा रही है। इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। बताते चले कि अमेजोन प्राइम पर दृश्यम 2 के रिलीज होने के बाद इसके हिंदी रीमेक बनने की भी तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसके लिए प्रोड्यूसर कुमार मंगत और अजय देवगन ने राइट्स खरीद लिए हैं। उन्होंने मोटी रकम चुकाई है। फिल्म के दूसरे भाग में पहले वाली फिल्म को ही आगे बढ़ाया गया है। हिंदी रीमेक में भी ऐसा ही होने वाला है। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन और तब्बू ने दृश्यम के हिंदी रीमेक में काम करके दर्शकों का दिल जीत लिया था। इस फिल्म को क्रिटिक के साथ ऑडियंस ने भी खूब पसंद किया था। मेकर्स फिल्म की शूटिंग साल 2021 के आखिर में शुरू करेंगे। तब तक अजय देवगन अपने बाकी के प्रोजेक्ट्स को खत्म कर लेंगे। वह फिल्म को अगले साल रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं। इवेंट के बारे में आप क्या कह रहे हो? आप लोग आए हो और ऐसी इवेंट के हिस्सा बने।
हम लोग तनिष्क रूपचंदानी के इनवाइटीज हैं और ऐसे हम चाहेंगे कि ये प्रोग्राम बार बार, अभी ये लास्ट जो है 3 इयर्स बैक हमने ये प्रोग्राम अटेंड किया था, 3 इयर्स के बाद हम ये अटेंड कर रहे हैं। आई थिंक ये 3 इयर्स में कुछ हुआ नहीं है, हम चाहेंगे कि एवरी ईयर ये कंटिन्यू हो जाए। Well, this is a very unique platform. I am honored and privileged to be a mentor of it. I am a nutritionist on board, and every girl is unique and is so confident and privileged to be here because this platform gives an opportunity to all women of all ages, all backgrounds. We don't see who or how you're looking, how old you are, whether you're thin or fat. No, it is all about your inner self, your confidence, how you portray yourself, and no other pageant does that. And how, yeah. What are you looking forward for tonight or event? Well, I have known these girls since the year now. I have judged them, I have mentored them, given them diets, trained them. So now we have selected the best out of the lot, and they're doing performing extremely well. So I hope that the best winner wins. But for me, everyone here is a winner already. Being on nutrition, how nutrition is important for beauty and everything. For a lifestyle, it's very important for our diet. Yes. Tell us something about the nutrition process. So I feel that being confident and being yourself is the best way to actually showcase yourself. But when we do makeup, that's the outer self, outer beauty. But when we eat healthy and when we take care about our body, about our organs, that is how we can actually nurture our bodies and take it long way ahead. So the food actually helps us be ourselves for a longer time. Yeah. Well, yes, I am wearing my very dear friend Deepika Wadhwa's creation, and she especially told me that, listen, everybody is going to be in black, white, red. Let's do royal blue for you. So yes, I'm wearing that. Thank you. Thank you so much. Mujhe easy question. I'm a mother.
not you, I'm telling. Just standing, just हाँ take हाँ them in me. बस एक shot ले लो. जिसको FI है, that girl has taken quite a bit. Just for your FI. मेरे को नहीं मिलेगा ना. वो तेरी लेने आई थी, तेरी कुछ साथ में ये सोचती हूँ. ये लो, फटाफट से बस take them and take me. 1 minute ना. Video. Video. Yeah. So. न्यूट्रिशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. यस या बोल दीजिए, मैं सब बोल दिया. स्टार्ट हाँ हाँ कुछ बात ही कर लो. कब आए आप लोग? आप लोग कब आए इधर? आए आप? हाँ, कोई और आया अभी वाइट देने? ये पहली मैं. बस हो गया. पहले मैं बताऊं कुछ? बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये. आई एम जस्ट सीइंग दिस. तो मैं पहले PR होती थी, तो मैं उस तरफ होती थी और मैं सारे मीडिया से कोऑर्डिनेट करती थी. तो इट्स अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी आल्सो कि आज मैं इस तरफ हूँ और आज आप लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं. पहले मैं वहाँ खड़ी होती थी और बोलती थी कहीं तुम्हारी टी का टाइम हो गया, मैं तुम्हारी चाय लगवा रही, फटाफट इंटरव्यू लेके आ जाओ. एंड टुडे इट्स सो नाइस, वेरी हैप्पी. आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ वुमेन जो माएँ हैं. One is of course, you know, younger girls, and one is these mothers, जिनको ये कहाँ मौके मिलते हैं हम मदर्स को. सो इट्स अ ब्यूटिफुल मोमेंट फॉर दीज गर्ल्स एंड आई एम हेयर टू जस्ट चेयर फॉर दैम. बिगेस्ट चेयर लीडर माई लुक टूडे. ओके, सो आई एम वेयरिंग स्वाति सूरी, इज फ्रॉम डेली डिज़ाइनर, वेरी पॉपुलर डेली डिज़ाइनर. एंड आई डेंट वॉन्ट टू डू अ गाउन, आई वॉन्ट टू डू कुछ बहुत ही डिफरेंट, लाइक अ साड़ी कम अ गाउन एंड अ वेरी ऑफ बीट कलर. सो शी गेव मी अ टक. I'll be very honest, मुझे बहुत शौक है. एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस, हमें सोचना नहीं चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे. जो मन करता है पहनो यार, एक जिंदगी है. सो यार तैयार होने में, सच्ची बताऊँ तो माई हस्बैंड टेक्स मोर टाइम देन मी. लगता है मैं नहीं, बट ही टेक्स मोर टाइम, मैन टेक मोर टाइम. पर आप लोग का ना दिखता नहीं, हम लड़कियों का बहुत दिखता है. मैं वेट कर रही हूँ टू सी कि लड़कियाँ कितनी ट्रेन हुई हैं. आई वाज सीइंग दैट कॉन्फिडेंस नीचे. ओ माय गॉड, द वॉक, द पॉइज. आई लव हाउ क्वींस ऑफ द वर्ल्ड हैज ट्रेन दीज गर्ल्स. आई एम वेटिंग टू सी हु इज अ विनर. थैंक यू, सी यू गाइस. I'm waiting for you first.
वेट आ रही है, वहां पे आ रही है। परिवार की खातिर साधारण से इंसान के असाधारण बनने की कहानी। दृश्यम एक ऐसी फिल्म थी जो अपने समय से आगे थी। इस रोमांचक थ्रिलर को सभी ने पसंद किया था। दृश्यम 2 के साथ हम जॉर्ज कुट्टी और उसके परिवार की कहानी को वहीं से आगे ले जा रहे हैं जहां से हमने इसे छोड़ा था। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि इस साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक की रिलीज अमेजन प्राइम पर हुई है, जिसके साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। मलयालम फिल्म दृश्यम 2 के बारे में मशहूर एक्टर मोहनलाल ने ये बात कही है जो लीड रोल में है। उनके साथ फिल्म में एक्ट्रेस मीना, अंसिबा हसन, इस्थर अनिल और मुरली गोपी की भी अहम भूमिका है। फिल्म के निर्देशक जीतू जोसेफ है। किसी सफल फिल्म का सीक्वल बनाना आसान नहीं, बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण काम माना जाता है। जब एक सफल ब्रांड को आगे ले जाना होता है तब पता होता है कि दर्शक पहली फिल्म के पात्रों से परिचित है, वह अपने दिमाग में कुछ खास बात रखकर सीक्वल देखने आता है। सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि सीक्वल के समय पात्रों को सीमित दायरे में ही रखना होता है। पहली फिल्म में जो कैरेक्टर रहा है उससे अलग नहीं जा सकते, इस दायरे रखकर कुछ नया लिखना काफ़ी कठिन होता है। यही वजह है कि फिल्म के निर्देशक जीतू जोसेफ ने कई सालों तक दृश्यम फिल्म के सीक्वल बनाने के आइडिया का विरोध किया था। वह ऐसी स्क्रिप्ट के इंतज़ार में थे जो पहली फिल्म के साथ न्याय कर सके। 7 साल बाद उसका इंतज़ार खत्म हुआ। मलयालम फिल्म दृश्यम के दूसरे सीक्वल में एक पुलिस अफसर के बेटे वरुण प्रभाकर का मर्डर करके उसकी डेड बॉडी को छुपाने और अपने परिवार को इस क्राइम के लिए पुलिस से बचाने की नायक की चतुराई की पहले दिखाई जा चुकी कहानी का विस्तार है। एक अंधेरी और डरावनी रात के सीन के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। इसमें एक शख्स दौड़ता भागता किसी से बचता हुआ दिखाई देता है। इधर लोकल केबल ऑपरेटर जॉर्ज कुट्टी अपनी पत्नी रानी और अंजू अनु नामक दो बेटियों के साथ जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा होता है। दुनिया आगे बढ़ चुकी है, जॉर्ज कुट्टी ने कुछ तरक्की की है, एक सिनेमा हॉल खरीद लिया है, इसके साथ ही फिल्म भी बनाना चाहता है, स्क्रिप्ट भी लिख रहा है। परिवार भी ट्रोमा से बाहर आने की कोशिश में है। इसी बीच पुलिस करीब 6 साल बाद वरुण प्रभाकर का केस रीओपन कर देती है। पुलिस जांच शुरू हो जाती है। जासूस लगाए जाते हैं एक महिला और पुलिस कर्मी को पति पत्नी बनाकर जॉर्ज कुट्टी के पड़ोस में शिफ्ट कर दिया जाता है। वे नजर रखे हुए हैं। उनकी कोशिश है कि एक बार लाश बरामद हो जाए और जॉर्ज कुट्टी को दबोच ले। जॉर्ज की पत्नी एक दिन महिला पुलिसकर्मी को अपना पड़ोसी समझकर मर्डर की पूरी कहानी बता देती है। इसके बाद पूरी तैयारी के साथ पुलिस अपना जाल बिछाती है। जॉर्ज कुट्टी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन पुलिस से खेलने में माहिर हो चुका जॉर्ज कुट्टी इस बार अपने तरकश में कौन से तीर रखे हुए हैं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। रोमांच बना रहे इसलिए हम पत्ते नहीं खोल रहे हैं। अपने आप में अभिनय की पाठशाला कहलाने वाले मोहनलाल मौजूदा भारतीय सिनेमा के मंझे हुए अभिनेता है। इस फिल्म में कई जगह किरदार की दिमागी उधेड़बुन भी अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने आंखों से बहुत बढ़िया काम लिया है। उनके चेहरे का भाव परिस्थितियों का बोध कराने में सफल रहा है। उन्होंने एक सहमे हुए आदमी के किरदार में जान डाल दी है। सहायक कलाकारों ने भी अपने किरदार के साथ न्याय किया है। इस फिल्म को क्लाइमेक्स तक पहुंचाने के लिए जीतू जोसेफ ने थोड़ा लंबा अटपटा सा ताना बाना बुना है, लेकिन आखिरी हिस्सा अतार्किक लगते हुए भी फिल्म को एक सस्पेंस थ्रिलर वाले दिलचस्प मोड़ तक ले आता है। हालांकि अन्य फिल्मों के सीक्वल की तरह यह स्टैंड अलोन मूवी नहीं है, पहली फिल्म पर पूरी तरह निर्भर है।
दृश्यम 2 फिल्म स्टोरी, स्क्रिप्ट, डायलॉग, एक्टिंग, डायरेक्शन और ट्रीटमेंट सहित हर मोर्चे पर खरी उतरती है। फिल्म की राइटिंग और एडिटिंग इतनी सदी हुई है कि इसे देखते हुए कब 2.5 घंटे गुजर जाते हैं इसका एहसास ही नहीं होता। यदि आप मलयालम भाषा जानते हैं या अंग्रेजी सबटाइटल के साथ फिल्म देखने में आपको कोई समस्या नहीं है तो यह नितांत देखने योग्य फिल्म है। शुरू से अंत तक फिल्म में रोमांच और रहस्य बरकरार रहता है। ऊपर से सिनेमेटोग्राफी इतनी शानदार हुई है कि किरदारों के जानदार अभिनय के बीच चार चांद लगा रही है। इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। बताते चले कि Amazon Prime पर दृश्यम 2 के रिलीज होने के बाद इसके हिंदी रीमेक बनने की भी तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसके लिए प्रोड्यूसर कुमार मंगत और अजय देवगन ने राइट्स खरीद लिए हैं। उन्होंने मोटी रकम चुकाई है। फिल्म के दूसरे भाग में पहले वाली फिल्म को ही आगे बढ़ाया गया है। हिंदी रीमेक में भी ऐसा ही होने वाला है। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन और तब्बू ने दृश्यम के हिंदी रीमेक में काम करके दर्शकों का दिल जीत लिया था। इस फिल्म को क्रिटिक के साथ ऑडियंस ने भी खूब पसंद किया था। मेकर्स फिल्म की शूटिंग साल 2021 के आखिर में शुरू करेंगे। तब तक अजय देवगन अपने बाकी के प्रोजेक्ट्स को खत्म कर लेंगे। वह फिल्म को अगले साल रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं। परिवार की खातिर साधारण से इंसान के असाधारण बनने की कहानी। दृश्यम एक ऐसी फिल्म थी जो अपने समय से आगे थी। इस रोमांचक थ्रिलर को सभी ने पसंद किया था। दृश्यम 2 के साथ हम जॉर्ज कुट्टी और उसके परिवार की कहानी को वहीं से आगे ले जा रहे हैं जहां से हमने इसे छोड़ा था। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि इस साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक की रिलीज Amazon Prime पर हुई है, जिसके साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। मलयालम फिल्म दृश्यम 2 के बारे में मशहूर एक्टर मोहनलाल ने ये बात कही है, जो लीड रोल में है। उनके साथ फिल्म में एक्ट्रेस मीना, अंसिबा हसन, इस्थर अनिल और मुरली गोपी की भी अहम भूमिका है। फिल्म के निर्देशक जीतू जोसेफ है। किसी सफल फिल्म का सीक्वल बनाना आसान नहीं, बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण काम माना जाता है। जब एक सफल ब्रांड को आगे ले जाना होता है तब पता होता है कि दर्शक पहली फिल्म के पात्रों से परिचित है। वह अपने दिमाग में कुछ खास बात रखकर सीक्वल देखने आता है। सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि सीक्वल के समय पात्रों को सीमित दायरे में ही रखना होता है। पहली फिल्म में जो कैरेक्टर रहा है उससे अलग नहीं जा सकते। इस दायरे रखकर कुछ नया लिखना काफ़ी कठिन होता है। यही वजह है कि फिल्म के निर्देशक जीतू जोसेफ ने कई सालों तक दृश्यम फिल्म के सीक्वल बनाने के आइडिया का विरोध किया था। वह ऐसी स्क्रिप्ट के इंतजार में थे जो पहली फिल्म के साथ न्याय कर सके। 7 साल बाद उसका इंतजार खत्म हुआ। मलयालम फिल्म दृश्यम के दूसरे सीक्वल में एक पुलिस अफसर के बेटे वरुण प्रभाकर का मर्डर करके उसकी डेड बॉडी को छुपाने और अपने परिवार को इस क्राइम के लिए पुलिस से बचाने की नायक की चतुराई की पहले दिखाई जा चुकी कहानी का विस्तार है। एक अंधेरी और डरावनी रात के सीन के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। इसमें एक शख्स दौड़ता भागता किसी से बचता हुआ दिखाई देता है। इधर लोकल केबल ऑपरेटर जॉर्ज कुट्टी अपनी पत्नी रानी और अंजू अनु नामक दो बेटियों के साथ जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा होता है। दुनिया आगे बढ़ चुकी है। जॉर्ज कुट्टी ने कुछ तरक्की की है, एक सिनेमा हॉल खरीद लिया है। इसके साथ ही फिल्म भी बनाना चाहता है, स्क्रिप्ट भी लिख रहा है। परिवार भी ट्रोमा से बाहर आने की कोशिश में है। इसी बीच पुलिस करीब 6 साल बाद वरुण प्रभाकर का केस रीओपन कर देती है। पुलिस जांच शुरू हो जाती है। जासूस लगाए जाते हैं एक महिला और पुलिस कर्मी को पति पत्नी बनाकर जॉर्ज कुट्टी के पड़ोस में शिफ्ट कर दिया जाता है। वे नजर रखे हुए हैं। उनकी कोशिश है कि एक बार लाश बरामद हो जाए और जॉर्ज कुट्टी को दबोच ले। जॉर्ज की पत्नी एक दिन महिला पुलिसकर्मी को अपना पड़ोसी समझकर मर्डर की पूरी कहानी बता देती है। इसके बाद पूरी तैयारी के साथ पुलिस अपना जाल बिछाती है। जॉर्ज कुट्टी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन पुलिस से खेलने में माहिर हो चुका जॉर्ज कुट्टी इस बार अपने तरकश में कौन से तीर रखे हुए हैं ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी।
रोमांच बना रहे इसलिए हम पत्ते नहीं खोल रहे हैं। अपने आप में अभिनय की पाठशाला कहलाने वाले मोहनलाल मौजूदा भारतीय सिनेमा के मंझे हुए अभिनेता है। इस फिल्म में कई जगह किरदार की दिमागी उधेड़बुन भी अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने आंखों से बहुत बढ़िया काम लिया है। उनके चेहरे का भाव परिस्थितियों का बोध कराने में सफल रहा है। उन्होंने एक सहमे हुए आदमी के किरदार में जान डाल दी है। सहायक कलाकारों ने भी अपने किरदार के साथ न्याय किया है। इस फिल्म को क्लाइमेक्स तक पहुंचाने के लिए जीतू जोसेफ ने थोड़ा लंबा अटपटा सा ताना बाना बुना है, लेकिन आखिरी हिस्सा अतार्किक लगते हुए भी फिल्म को एक सस्पेंस थ्रिलर वाले दिलचस्प मोड़ तक ले आता है। हालांकि अन्य फिल्मों के सीक्वल की तरह यह स्टैंड अलोन मूवी नहीं है, पहली फिल्म पर पूरी तरह निर्भर है। दृश्यम 2 फिल्म स्टोरी, स्क्रिप्ट, डायलॉग, एक्टिंग, डायरेक्शन और ट्रीटमेंट सहित हर मोर्चे पर खरी उतरती है। फिल्म की राइटिंग और एडिटिंग इतनी सदी हुई है कि इसे देखते हुए कब 2.5 घंटे गुजर जाते हैं इसका एहसास ही नहीं होता। यदि आप मलयालम भाषा जानते हैं या अंग्रेजी सबटाइटल के साथ फिल्म देखने में आपको कोई समस्या नहीं है तो यह नितांत देखने योग्य फिल्म है। शुरू से अंत तक फिल्म में रोमांच और रहस्य बरकरार रहता है। ऊपर से सिनेमेटोग्राफी इतनी शानदार हुई है कि किरदारों के जानदार अभिनय के बीच चार चांद लगा रही है। इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। बताते चले कि Amazon Prime पर दृश्यम 2 के रिलीज होने के बाद इसके हिंदी रीमेक बनने की भी तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसके लिए प्रोड्यूसर कुमार मंगत और अजय देवगन ने राइट्स खरीद लिए हैं। उन्होंने मोटी रकम चुकाई है। फिल्म के दूसरे भाग में पहले वाली फिल्म को ही आगे बढ़ाया गया है। हिंदी रीमेक में भी ऐसा ही होने वाला है। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन और तब्बू ने दृश्यम के हिंदी रीमेक में काम करके दर्शकों का दिल जीत लिया था। इस फिल्म को क्रिटिक के साथ ऑडियंस ने भी खूब पसंद किया था। मेकर्स फिल्म की शूटिंग साल 2021 के आखिर में शुरू करेंगे। तब तक अजय देवगन अपने बाकी के प्रोजेक्ट्स को खत्म कर लेंगे। वह फिल्म को अगले साल रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं। बहुत खुशी होती है। आई नो सब लोग यही बोलेंगे बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है, बट मेरे को एक चीज़ लेके बहुत खुशी होती है कि आज एक 60-year-old, आज मैं अपनी मॉम को, अपनी मासी को, अपनी मॉम की फ्रेंड्स को भी बोल सकती हूँ कि पार्टिसिपेट करो। बहुत सारे लोग होते हैं उनके ड्रीम्स होते हैं जब वो यंग होते हैं मगर वो फुलफ़िल नहीं कर पाते, फिर इस एज पर जाके उसको फुलफ़िल करना कौन सोच सकता है। सो इट्स वन ऑफ अ काइंड इन द होल वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडिया। सो आई थिंक वो बहुत बड़ी चीज़ है। यू नो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म करने के बाद आप आओ, अपनी ब्यूटी दिखाओ, आई थिंक वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। आई हैव ऑलरेडी गॉटन दिस क्राउन एंड आई हैव ऑलरेडी गॉन एंड रिप्रेजेंटेड इंडिया एंड अमेरिका, सो करंटली आई एम वेरी सैटिस्फाइड। बस अब अगले साल देखेंगे क्या करना है। थैंक यू सो मच। I think the main thing that a winner should have is the will to grow and become a better person. I think this journey is for anyone who is willing to put themselves out there, be their most confident self, and uplift other women. So that's what I expect from the coming winner, because this is a sisterhood. Jaise main aur Rohini, hum dono ek dusre ko, it's become a very good friendship, right? So that's what I expect, ki aage ke jaake jo queens aayenge, they become very good friends, and then they uplift each other and take this pageant forward. What is the one message or a tip jo aap dena chahoge young models ko jo jo aate hain is industry mein, yeah, crown building ka sapna dekhte hain, koi aisi message aap dena chahoge? It might sound very cliche, but I would say just be yourself. That's your most unique self, which makes you stand out. And if you stand out, then the crown gets on your head. So, in your beauty? I would say the secret behind my beauty is that I'm a happy person. I try to wake up every day and choose to do something that I love.
and that makes me a happier person, which helps me spread positivity around me, and I think that is kind of like the secret behind anyone's beauty. Karishma, I'm there, and if you want to ask any two questions about the beauty, what will be like two questions? I mean, if I had to ask Karishma, I would ask her, what's the secret to everlasting beauty, right? She's so gorgeous, she's always has a positive smile on her face, so I would definitely ask her. The second question would be how she's so positive all the time. So yeah, those would be my questions. Thank you. पहले बाइट कर ले, पहले बाइट दे, थैंक यू सो मच। पहले तो इस इवेंट के बारे में क्या कह सकते हो, कितनी ज्यादा एक्साइटेड हो आज के इवेंट को लेकर? वेरी एक्साइटेड एंड सो हैप्पी टू सी सो मेनी वुमेन कमिंग टुगेदर फॉर दिस पेजेंट। एज करिश्मा जस्ट सेड दैट इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म वेयर पीपल आर नॉट कंपीटिंग, दे आर हियर टू जस्ट बी देयर एंड सपोर्ट ईच अदर, सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू बी एट। इफ यू वांट टू गिव एनी टिप टू द यंग Just be yourself. No other tip. Just be happy and just be yourself. That's it. Thank you. Thank you so much, and really, really a big round of applause for you guys. आप लोग रुके हो कब से इतनी गर्मी में, यू आर वेटिंग फॉर एवरीबडी एंड सो पेशेंटली, एंड द ब्यूटी इज एवरीबडी हैज अ स्माइल ऑन देयर फेस, सो दैट इज फॉर यू ऑल। नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। सी आज की नाइट से मैं यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि हर वुमेन जो है वो कॉन्फिडेंट रहे, कम्पीट तो कोई भी नहीं कर रहा है, एवरीबडी इज पुटिंग देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, एंड आई थिंक इट इज़ जस्ट अ डिस्प्ले ऑफ देयर पैशन एंड देयर डेडिकेशन, दैट्स इट। सो सब ने जी जान लगा दिया है, जिनका जो पैशन था, जो डेडिकेशन था, अब द बेस्ट गर्ल इज गोइंग टू विन, बट आई थिंक इवन द पीपल हु विल नॉट विन, they are going to take away so much of experience from this platform, so I think that's the beauty. So my upcoming project, I am an ex-banker turned influencer, so right now I'm finding my passion towards fashion, and you all will see me probably maybe a short movie or Netflix or anything, you never know. Secret behind my beauty is I'm always happy and I find a lot of goodness in whatever I see. So no negativity, only happiness. Yes, yes. Take care and thank you so much to all of you. वो पीछे की वीडियो लेनी है, दो मिनट बस, है ना? हाँ, उस समय बहुत शोर था। आपकी आवाज ही आएगी, वो नहीं आ पाएगी। तो आप काफी अमेजिंग, मुझे काफी अच्छा लगा। क्या कुछ, क्या डिजाइनर का क्या राज है? I'm wearing Swati Suri from Delhi, very popular designer who does great fusion of Indian and Western. So yes, she's my favorite choice for all important occasions. And anything that would you like to add on your dress? Today you are wearing mixed sari type. I didn't want to go the gown way, but I didn't want to go the sari way. So I decided to make a fusion, and we discussed, humne bahut sketching kari, and then yeah, this came out. So yeah, thank you. सवाल जवाब तो नहीं करेंगे। आइए सर, दो तीन सवाल कर लेते हैं। सर आज का पूरा ब्यूटी है इसके ऊपर है, आप किसके ऊपर है आज? ब्यूटीनेस के ऊपर है, आप काफी हैंडसम दिखते हो सर, इतने इतनी अच्छी आवाज है, अच्छी आवाज के आप भी हैं, क्या है कुछ आपका राज है, आपके ब्यूटीनेस का, आपके हैंडसमनेस का क्या कहना चाहोगे? क्या बात कर रहा है, शर्मा रही है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आई वाज कॉल्ड हियर बाय अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड आई वांटेड टू विटनेस दिस, एंड माशाल्लाह से इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल
show, and every woman has the rights to come out and show herself. And after delivering kids and after doing so many things, if they are enjoying their life, I'm happy for that, and I'm really enjoying. दिवाली की शुभकामनाएं आपको. अपने घर में रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ, और पटाखे जरा संभाल के फोड़िए. एंड हैप्पी दिवाली टू एवरीवन. हैप्पी दिवाली फ्रॉम साजिद वाजिद टू एवरीवन. आई लव यू ऑल. बाय बाय. It is very heavy. Congratulations. Thank you so much. इतना heavy है, कितनी feeling का, किस तरह की feeling है आपकी? एक बहुत अच्छी कहावत है हिंदी में, because आपने हिंदी में question पूछा है, तो बहुत ज़्यादा जब power आती है ना, तो बहुत ज़्यादा responsibility कंधों पे होती है. तो ये जो power आई है, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे शोल्डर पे, एंड आई एम गोइंग टू प्रूव माई सेल्फ विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई हैव एन NGO, तो उसकी अवेयरनेस के लिए आई वॉन्ट टू स्प्रेड द वर्ड अबाउट दैट. तो उसके लिए आई वॉन्ट टू वर्क मोर विद क्वीन ऑफ द वर्ल्ड प्लेटफॉर्म, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म में देर इज़ नो क्राइटेरिया. देर इज़ नो क्राइटेरिया. दैट्स सच अ गुड पार्ट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म. इसीलिए इस प्लेटफॉर्म को मैं और बढ़ाना चाहती हूँ. बहुत ज़्यादा लेडीज़ को आगे आएँ, पार्टिसिपेट करें. एज नो बार, साइज नो बार, कास्ट नो बार. सो इट्स सच अ ब्यूटिफुल प्लेटफॉर्म. एवरीबडी शुड कम फॉरवर्ड. यही मेरा एजेंडा है इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने का. हाँ जी. नहीं, उनसे कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई. इतनी एक्साइटमेंट में कुछ बात कैसे होगी? वी हैव इज टू एक्साइटेड, बट वेरी स्वीट ऑफ हर. शी इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल पर्सन एंड इनसाइड आउट, सो आई फील ग्रेट टू बी क्राउन्ड बाय हर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. जी प्रियंका, दे कॉलिंग फॉर द पिक्चर्स. जी नमस्ते जी. थैंक यू सो मच. बहुत जी, बहुत बहुत ऑनर की बात है कि करिश्मा जी आए हमारे लिए आज यहाँ पर. वो खुद इतनी बड़ी आइकॉन है, एक खुद एक एम्बॉडीमेंट है फीमेल एम्पावरमेंट की. सो आई थिंक दैट इट वाज़ वेरी ग्रेशियस ऑफ हर टू कम हियर. और ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है, जैसे पारुल जी ने भी बताया, इट्स ऑल अबाउट इंक्लूसिविटी एंड डिवर्सिटी. और हमें ये मौका मिला है कि हम अभी आगे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है हमारे पे. पर जैसे आपने कहा, करिश्मा जी खुद एक आइकॉन है और मेरे लिए बहुत हम्बलिंग है. हम बड़े हुए हैं उनको देखकर, तो बहुत करिश्मा जी और करीना जी बहुत इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा है उनकी हमारी लाइफ में. तो बहुत ज़्यादा हम्बलिंग था मेरे लिए कि आज उन्होंने मुझे ये क्राउन पहनाया. थैंक यू सो मच. Mrs. Queen of the World India. इतनी खुशी होती है कि सब लाइक आई हैड टीयर्स ऑफ जॉय इन माई आईज वेन इट वॉज अनाउंस्ड, बिकॉज एक सपना होता है, हम सब देखते हैं, और ऑब्वियसली जब वो सपना पूरा होता है, सो उस हैप्पीनेस को
अपने वर्ड्स में बयान करना आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल सो एंड ऑफ कोर्स I kept looking at her. She's an icon. Like, yes. So, yeah. So, I mean, definitely couldn't converse much with her. I mean, much with her. But Karishma Kapoor ji ke saath, matlab unke haathon se crown lena is a big, big moment in itself. What's next? Anything that you planned for yourself? The next dream that is to represent India, Queen of the World platform. So, and I'm sure everybody will do their best. And looking forward to get the crown. All the best, all the best. Thank you. Thank you so much. Thank you. I have got the elite Mrs. Queen of the World title. How does it feel to get? Well, it feels great. It feels, you know, like a, you know, that, like a, in a way, like a dream. Yes. And Karishma ma'am was also there. Yes. She gave you the crown. How was the feeling during the entire event? Karishma, yes, I think, yes, she did give the crown, yes. No, it was beautiful. The whole journey has been beautiful. Hum 4 mahine se preparation kar rahe hain. It's been very beautiful. And of course, this has also been very nice. Apne look ke bare mein kya kehna chahoge? You are wearing silver full. Correct. Yeah, tell us something about it. Mujhe shauk hai, like, you know, to have a, sort of to make a statement. Yes. To main waise hi kapde